देखो क्लास नंबर 33 लास्ट में दिखाओ, कॉपी दिखाओ मुझे, लाओ क्या क्या पढ़ा दिखाओ। देखो कहाँ तक पढ़ा लिया, पैरामिड पढ़ लिया मैंने, पैरामिड पढ़ने के बाद ना ये इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन पढ़ाना था ना। इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन का मतलब पारिस्थितिकी से संबंध, यानी जो पारितंत्र हो ना उसमें अनेक प्रजातियाँ रहती है, और जो अनेक प्रजातियाँ रहती है ना वो आपस में इंट्रैक्ट करती है, और जो आपस में इंट्रैक्ट करती है तो वे आपस में संबंध बनाती है, और अलग अलग संबंधों को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो तुम्हारे मेरे बीच में ना टीचर का रिश्ता, टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता, समझ नहीं पाती है, तुम मेरे टीचर हो मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, समझ नहीं पाती है, ये तो रिश्ता हमारे बीच में, तुम मेरे टीचर हो मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, यही रिलेशन है। हाँ हाँ, मैं तुमसे से सीखा, तुमसे से सीखा है, मैं समझ चलता हूँ, तुम चाहे इसका उल्टा कर लो, तो हम समझ में आ रहे बात क्या। दूसरा, इस इन्वायरमेंट में रहते ऐसे जीव, जब जीव किसी पारितंत्र में रहता होगा ना, वो पारितंत्र में जो जीव रहते होंगे, जो समष्टि रहती होगी, जो जनसंख्या रहती होगी, वो आपस में इंटरेक्ट करती है, जब वो इंटरेक्ट करती है तो अलग अलग प्रकार के संबंध बनाती है, उन संबंधों के अलग अलग नाम, और वहाँ पूछा जाता है यहाँ कौन सा संबंध, इसके बीच में कौन सा संबंध पाया जाएगा, उससे पेपर में भर भर का सवाल आया। 2021 में भी 2-3 सवाल आए थे, उससे 2001-2 में भी सवाल आ रखा, 2010 में भी सवाल आ रखा, हो सकता भविष्य में सवाल आ जाए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ, जहाँ तो सवाल पूछ लिया UPSC ने, इसका मतलब वहाँ तो सवाल बाद में भी पूछ सकते, और उसके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण कि कौन सा संबंध होगा। अगर एक बार तुम परिभाषा समझ लोगे ना कौन सा संबंध, तो उसके बाद तुम कभी भी मार्क नहीं खाने के, समझ ही बात है। तो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका कि यार ये कौन सा रिलेशन पाया जाएगा इसके बीच में, मैं इंग्लिश में बता चलूंगा, हिंदी में बता चलूंगा, क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे ना तो एक वर्ड ना, एक जो दो वर्ड जो कॉमन वर्ड वो उसमें नहीं समझ में आता ना, तो हिंदी में अलग नाम रख, तो चुपचाप जाकर पेपर में साइड में करके इंग्लिश का देख रखो, इंग्लिश में जाकर देख लो, समझ में आया बात है। तो हम बात करने वाले अब जाके इसकी रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप कौन सा, तो पारिस्थिति की सहसंबंध ही हमारा टॉपिक है, पारिस्थिति की सहसंबंध। ये पारिस्थिति की सहसंबंध इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, हाँ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन। बस एक ही बात याद रखना, हर चीज इंग्लिश में लिखनी, साइड में जो भी जो बड़े बड़े स्पेलिंग होंगे ना वो सारी सारी इंग्लिश में लिखनी, बड़ी बड़ी हेडिंग है जो होगी सब इंग्लिश में लिखनी। इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन क्या होगा, मैं तीन वर्ड यूज करूँगा, तीन सिंबल यूज करूंगा, वो तीनों का मतलब समझा रहा हूँ। पहले इसका ये मतलब है, देखो कोई भी पारितंत्र हुआ हमारा, कोई भी पारितंत्र हुआ, ये हमारा पारितंत्र, जो पारितंत्र हो उसमें बहुत सारी समष्टि रहती है, समष्टि समझते हो क्या, समष्टि हो जनसंख्या, ऐसा समझ लो एक ही प्रकार के जीवों की जनसंख्या, जानते हो मैंने सब पढ़ा रखा पहले, इसका मतलब समझ रहे हैं तुम, सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले जीव, जीवों की संख्या क्या क्या रहती है, समुदाय, समझ में एक बात, समुदाय क्या हो, मान लो सुन लो ये एक प्रकार की प्रजाति, ये बी भी एक प्रकार की प्रजाति है, ये प्रजाति है, प्रजाति एक या प्रजाति दूसरी प्रजाति, और ये पूरा पूरा इकोसिस्टम हमारा, इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब पारितंत्र, ये हमारा पारितंत्र रहा, ये पूरा का पूरा पारितंत्र के अंदर दो प्रकार की प्रजातियां, अभी दो प्रकार की प्रजातियां ना जब आपस में इंटरेक्ट करती होगी, अब जो प्रजातियां मैं कह रहा हूं ना उस प्रजाति के अंदर जरूरी नहीं है कि केवल वो कोई कोई जीव ही होगा, वो पौधा भी हो सका, बेल भी हो सका, वो कुछ भी हो सका, आपस में इंटरेक्ट करती होगी, और जब इंटरेक्ट करती होगी उनके कई उनके बीच में कई प्रकार के संबंध पाए जाएंगे, इंटरेक्ट करने के दौरान, संबंध बनाने के दौरान उनके बीच में, सही बात है, हो सकता है संबंध बनाने के दौरान एक को फायदा हो जाए एक को नुकसान हो जाए, हो सकता एक को फायदा हो जाए दूसरे को कोई फर्क ही ना पड़े, सही बात है, एक को तो फायदा होगा और दूसरे कोई फर्क ही ना पड़े, जब किसी को कोई फर्क ना पड़ा ना उसे कहते हैं उदासीनता, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, याद रहेगी बात यार, ठीक। तो मैं तीन सिंबल यूज करूंगा, हो सकता है ये प्रजाति ए है, अगर इसे बेनिफिट हुआ, इसे लाभ हुआ संबंध बनाने के दौरान, तो उसके लिए प्लस यूज करेंगे, समझ आई बात यार, अगर इसे कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके लिए जीरो यूज करेंगे, जीरो। UPSC ऐसे सवाल देकर भी सवाल पूछ सकते, समझ बात यार, अगर कोई फायदा है, कोई नुकसान नहीं हुआ, न्यूट्रल हुआ, उदासीन ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी, तो हम क्या बोल क्या यूज करेंगे, कौन सा सिंबल यूज करेंगे, जीरो। अगर उसे नुकसान हुआ, किसी प्रजाति को नुकसान हुआ, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, माइनस यूज करेंगे, तो माइनस का मतलब समझ में आया। अच्छा प्लस का मतलब क्या होगा, लाभ, लाभ हुआ, वो लाभ किसी भी प्रजाति की हो सकता है संबंध बनाने के दौरान, अगर वो पारितंत्र के अंदर जो प्रजाति रहती होगी, प्रजाति जो रहती होगी जब आपस में इंटरेक्ट करती होगी, इंटरेक्ट करने के दौरान जो रिलेशन बनते होंगे उसमें किसी भी जो प्रजाति होगी, प्रजाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं,
जो स्पीसीज होगी ना इकोसिस्टम के अंदर, हो सकता है उस रिलेशन बनाने के दौरान उस बेनिफिट हो सकता होगा। अगर बेनिफिट हुआ ना सर, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे उसका नाम है प्लस। अगर उसे लॉस हुआ तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे माइनस। इसे क्या बोलते हैं? लॉस, यानी हानि होगी सर। इतनी बात बताओ, समझ में आई? तो दिक्कत यहाँ तक, इसका मतलब क्या हो? न्यूट्रलिटी, उदासीनता। ये बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? यानी इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। तो इस तरह करके हमारे संबंध होंगे। संबंध कितने प्रकार के होंगे हमारे? तीन प्रकार के नहीं होने के संबंध में, तो वह कह रहे संबंध के लिए हम तीन प्रकार के सिंबल यूज करेंगे। कुछ भी संबंध तीन प्रकार के होंगे? संबंध तो कई प्रकार के होंगे। हो सकता जब इसके साथ संबंध बना रहे हो तो संबंध बनाने के दौरान किसी भी पारितंत्र में, और मैं भी कह रहा हूँ ये दोनों जरूरी नहीं है, जो प्रजाति ये जीव की मतलब जंतुओं की प्रजाति हो, ये पौधों की प्रजाति भी हो सके। हो सकता एक जंतु की हो, पौधे की हो। बात समझ में आई है? क्योंकि जंतुओं में और जो पौधे उनमें सांस प्राण हो, वही जीव कहलाते हैं, जीव की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया बात? या वही एक जीव कहलाता। तो बताओ पौधा एक जीव है? क्यों नहीं है? सांस प्राण है तो उसके अंदर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है? अब जो पारिस्थितिकी सहसंबंध, पारिस्थितिकी सहसंबंध के अंतर्गत जब दो प्रजातियां आपस में इंटरेक्ट करती होगी, संबंध बनाती होगी, संबंध बनाने के दौरान उनके बीच में जो संबंध बनाने के दौरान हो सकता किसी प्रजाति को लाभ हो जा, हो सकता किसी प्रजाति को हानि हो जा, हो सकता उस प्रजाति को कोई फर्क ना पड़े। ऐसा करके जो संबंध है कम से कम 8 या 9 प्रकार के संबंध पाएगा। समझ में आया बात? या तो मैं लिखवाना भी चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं भाषा यूज़ करूँगा ना वो सेम पेपर को उसमें दिखाई देगी पेपर के अंदर। अगर मैंने नहीं लिखवाया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, मेरे तो याद रह जाएगा फिर तुम्हें समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसी भाषा वहाँ पेपर में दी जाती है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसी भाषा को भी अपने अंदर कैचअप कर लो। जब हम क्लास में सुन लो ना और उस भाषा को कहीं पढ़ो, ऐसा लगा कि पक्का सुना हुआ, कोई हमारे लिए अलग बात नहीं है, हम सब ने सब पढ़ रखा है। ये पारितंत्र, इसके अंदर दो प्रकार की प्रजातियां रहती है, जब आपस में इंटरेक्ट करती है तो इंटरेक्ट करने के दौरान इनके बीच में कई सारे प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इंटरेक्ट करने के दौरान हो सकता है एक प्रजाति को लाभ हो और एक प्रजाति को हानि भी हो सकती है। हानि के लिए माइनस यूज करेंगे, और अगर उस कोई फर्क नहीं पड़ा तो नहीं पता, उसको न्यूट्रलिटी, उसको उदासीनता यूज करेंगे। समझ आई बात? एक का सबका उदाहरण भी दे सकता हूँ, एक का उदाहरण दे सकता हूँ, एक लाभ का, एक हानि का और एक जीरो वाला। समझ आई बात? उदासीनता का अभी एक उदाहरण लिखवा नहीं रहा, लिखवाऊंगा सारा का सारा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। समझ में आई बात? जैसे मैं कहने लगा तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे जो शरीर है, तुम्हारे शरीर में आया समझ में, तुम्हारे शरीर पर आपको मच्छर बैठा, मच्छर ने तुम्हारा खून पी लिया, इसका फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ? हाँ, तो एक को फायदा हुआ और दोनों ही जीव। बात सही है? कोई दिक्कत नहीं आता? इससे क्या बताया, एक को फायदा भी हुआ हानि भी, दोनों फायदा और हानि वाला उदाहरण समझ में आ गया। इतनी बात बताओ, कोई फर्क दिक्कत नहीं आता? बात समझ में आई? तुमने देखा होगा कभी कभी कहीं एक पेड़ खड़ा हो जा और उसकी बराबर में एक और पेड़ निकल ला, उसे हम अधिपादप कहते हैं। अधिपादप, वो पेड़ से पता क्यों निकल साइड से? उस पौधे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आंधी तूफान आओ वो गिरे ना। समझ आई बात? तो इस जो बराबर वाला जो पेड़ निकला, इसमें फायदा किसे हो रहा? बड़े पेड़ को, छोटे पेड़ को? बड़े पेड़ को, उसकी बराबर में निकला नहीं, छोटा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा, उसको दे रहा नहीं दे रहा, तो फायदा किसे हुआ? बड़े पेड़ को। नुकसान किसा हुआ? छोटे पेड़ को, उसकी तो ऊंचाई बढ़ गई थोड़ा पा गई। समझ, और भी सुनो ध्यान से अच्छे तरीके। तुमने देखा जो गायें भैंस होए जब भी खेतों में चरती रहती है, इनके ऊपर आकर कग्गे बैठ जाते हैं या कोई जीव आकर बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर तना में छोटे छोटे जो जीव हो उसे खा जाते हैं। फायदा कैसे हुआ भैंस को? उसके ऊपर तो जीव नहीं खा लिया, भैंस थोड़ा ही साफ कर लेती है, दोनों को फायदा हुआ। इसमें दोनों को फायदा हुआ नहीं हुआ? तो इनके बीच में एक संबंध पाया जाएगा, उसका अलग नाम है, बाद में बताऊंगा तुम्हें, उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें। इन संबंधों का सबका अलग अलग नाम है, कहीं एक को फायदा होगा, कहीं एक को नुकसान होगा। अब तुम मुझे बताना ध्यान से, सुनना अच्छे तरीके से। जो पेड़ हो, पेड़ जहाँ समान, जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा बन पाया जा, उसमें जो पेड़ हो, पेड़ के लपेटे जो लेके जो बेल हो ना, बेल पान की बेल हुई जैसे, आया समझ में, अमर बेल हुई, पेड़ के लपेटे लेकर ना ऐसे ऊपर चढ़ती चली जाएगी और वातावरण बनाने लगी, उसमें नुकसान किसे हुआ? पेड़ को, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ रुक जाएगी। और दूसरे नंबर पर फायदा किसे हुआ? बेल को, ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर चली गई। इसके यहाँ भी तो एक संबंध है, ऐसा करके संबंध, उसका नाम सुना तुमने काइका, लाइकेन जिसे बोलते हैं, लाइकेन जब समुद्री शैवाल हो, नाम सुना तुमने, जो लाइकेन हो जब वो समुद्र के अंदर पाया जा और जो परवाल भित्ती हो उसके बीच में भी एक रिलेशन पाया जा, उसमें एक को फायदा हो एक को नुकसान हो, या दोनों को फायदा हो दोनों को नुकसान हो, ऐसे ऐसे संबंध भी वहाँ पेपर में सवाल देकर पूछे जा, इन्हें सबको हम डिस्कस करने वाले। समझ में आई बात है? जब उन्होंने देखा वो एक्वा फिशिंग वाला जिसमें मछली को पालते हैं उसमें हम जो मछलियाँ हों और मछली के उसके अंदर जो जीव डालते हैं, उसका खाना जो भोजन,
उसमें जो जो खाना डाला आपने वो मछलियों के लिए, उसके बीच में भी संबंध पाया जा, समझ नहीं बात है ठीक। मछली क्या खा रही, उसके बीच में जो पानी है, पानी उसके पानी के बीच में मछली के बीच में भी कुछ ना कुछ संबंध होगा। अगर दो जीव होंगे, पानी के अंदर सूक्ष्म जीव रहते होंगे, छोटे छोटे जीव रहते होंगे और मछलियाँ रहती होगी, उसके बीच में संबंध तो जरूर होगा, समझ नहीं बात है। मछली हवेल मछली का नाम सुना, ऐसे हवेल मछली हो एक छोटी मछली उसके नीचे नीचे चलो, बिल्कुल नीचे नीचे, बेनिफिट पता किसो छोटी मछली को, उसको कारण ही हो, उस मछली का मैं नाम बोल रहा हूँ, सार्क मछली के नीचे छोटी छोटी मछली चलेगी एक बार, जैसे अवेल मछली तो चलती रहेगी ऐसे ऐसे चलती रहेगी, और जो मछली ना छोटी नीचे चलेगी दूसरी आसपास की बड़ी मछली उसको खा नहीं सकती। फायदा किसे हुआ, फायदा हुआ छोटी मछली, समझ नहीं बात है, उसके नीचे नीचे चलेगी, उसको बहुत सुंदर वीडियो में दिखाऊंगा तुम्हें, सही बात है क्या, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये पता लग चुका ये इस तरह का हमें संबंध पढ़ने और सारे पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में भी नाम लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा नाम। तो अब जब कॉपी में हेडिंग बनाओ, तुम हेडिंग बना लिया तुमने यार, ठीक चलो लिखो, मैं कुछ इसमें लिखो परिस्थिति के साथ संबंध में, कुछ दो चार लाइन लिखो उसके अंदर, मैं चाहता हूँ दो चार लाइन लिखो उसके अंदर, लिखो पहला पॉइंट लिखो, प्रकृति में पौधों के बीच, जानवरों के बीच, पौधों के बीच कोमा जानवरों के बीच, पौधों के बीच कोमा जानवरों के बीच, अंत निर्भरता होती है, अंतह निर्भरता होती है, अंतह निर्भरता होती है, पौधों के बीच में भी हो सकेगा, जानवरों के बीच में हो सकेगा, और जानवर और पौधों के बीच में भी हो सकेगा, समझ में आया मैंने क्या कहने की कोशिश करी, पौधे के बीच में भी हो सके, पौधे पौधे के बीच में, जानवरों के बीच में भी हो सके, पौधे जानवर दोनों के बीच में संबंध पाया जा सके, ठीक। अंतर निर्भरता होती है, लिख दिया ना यहां तक, अंतर निर्भरता होती है, यह अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया का मतलब वो आपस में इंटरेक्ट करना, संबंध बनाना, यह अन्योन्य क्रिया, यह अन्योन्य क्रिया, यह अन्योन्य क्रिया अनेक उद्देश्य, यह अन्योन्य क्रिया अनेक उद्देश्य, अनेक उद्देश्यों, अनेक उद्देश्यों लिख दिया, जैसे पोषक तत्व, इसका मतलब समझो, इसका ही मतलब एक प्रजाति हुई इधर, इधर दूसरी प्रजाति हुई, उनके बीच में कोई रिएक्शन हो रहा, जैसे भैंस उसके ऊपर कग्या का बैठ गए तो कग्गी को तो पोषण मिलेगा, तो पोषण तत्व इस क्रिया को करने के दौरान एक को पोषण भी प्राप्त हो सकता, ऐसे समझ लो, इंटरेक्ट करने के दौरान बच्चे भी पैदा हो सकते हैं प्रजातियों के बीच में, होते नहीं इंटरेक्ट करने के दौरान, वो भी तो एक रिलेशन पाया जा, समझ नहीं बात है, हो सकता आपस में इंटरेक्ट करने के दौरान जो हो पौधे जो पेड़ पौधे या बीज उनका विस्तार भी हो सकता है, जैसे तुमने गाना सुना है भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, भंवरे तो तुमने गाना नहीं सुना, तो भंवरा जब उसके ऊपर बैठेगा ना परागकण के ऊपर बैठेगा, फूल का जो परागकण हो उसके ऊपर, तो सुन तो लो ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, जैसे उसके ऊपर बैठेगा ना तो बीज को उठाकर उसके ऊपर उठाकर बीज उस जो फूल है उसका हो उसके बीज को उठाकर कहीं और फिर फेंक देगा जाकर लेगा, तो फिर धरती में गुजरेगा फिर वहीं बीज उगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका क्या होगा जो बीज इतने उनका प्रसार नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो बीज फिर वो वहाँ उगना स्टार्ट हो जाएगा, तो खेती का इस तरह प्रसार प्रसार होता रहा है, मधुमक्खी भी यही काम करती है, समझ, कुछ जानवर ऐसे हो वे बता क्या करेंगे, पौधे को खाया, खाने के बाद क्या करेंगे, खाने के बाद कुछ जो पेड़ पौधे उन्हें कहीं और भी बिखेर देंगे, कुछ जानवर जान भी घेर देंगे, तो फिर इसका खेती का प्रसार प्रसार भी हो जाएगा, इस तरह करके बात समझ आई, बात ये भी एक प्रकार का संबंध ही पौधे के जानवरों के बीच में, ये सारे संबंध समझने आए तुम, क्या लिखा है पहले ये बताओ, कोमा आवास, कोमा परागण, परागण पता लग गया पाया, परागण फूल के ऊपर था ना उसके बीज को इधर से उधर ठाकर फेंक देना, परागण कोमा प्रजनन,
कोमा प्रजनन, फल एवं बीजों के प्रसार, कोमा लगाकर फल एवं बीजों के प्रसार के, फल एवं बीजों के प्रसार में वृद्धि हो सकती है, फल एवं बीजों के प्रसार में वृद्धि हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अंतर निर्भरता हो, इंट्रैक्शन हो, दो समान प्रजातियों के बीच भी हो सके और दो असमान प्रजातियों के बीच भी हो सके। दोबारा फिर समझो, समान प्रजाति का मतलब मैं मनुष्य हूँ, मेरा इंट्रैक्शन होगा मनुष्य के साथ, हो सकता है मैं ना चिकन खाता हूँ और चिकन खाया मैं ना उसका मुर्गे का इंट्रैक्शन, तो वो भी होगा एक प्रकार से, वो अलग प्रजाति और मैं अलग प्रजाति। तो जो इंट्रैक्शन हो या अंतर निर्भरता हो, अंतर निर्भरता दो समान प्रजातियों के बीच भी हो सके और असमान प्रजातियों के बीच भी हो सके, ये बात दिमाग में धारण कर लो। लिखो, यह अंतर निर्भरता दो समान तथा या असमान प्रजातियों के बीच में हो सकती है, यह अंतर निर्भरता दो समान प्रजाति तथा असमान प्रजातियों के बीच में हो सकती है, यह अंतर निर्भरता दो समान प्रजाति तथा या असमान प्रजाति के बीच में हो सकती है। लिख लिया, इसमें इसमें दोनों, यह ऐसे लिखो या लिखो, यह क्रिया दोनों के लिए लाभदायक या हानिकारक भी हो सक्ती है, दोनों के लिए लाभदायक या हानिकारक भी हो सकती है। समझ में आया तक, कोई दिक्कत तो नहीं है तक? अच्छा ये बताओ, दो जीवित प्राणी जब आपस में रिएक्शन करते हैं, एक जीव दूसरे जीव के साथ आपस में इंटरेक्ट करता, संबंध बनाता, तो एक जीव का दूसरे जीव पर प्रभाव पड़ता होगा, इसी बोलते हैं जैविक प्रभाव, जैविक प्रभाव। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो उन्होंने तुम पढ़कर निकाल लेगा, एक वर्ड को दो तीन बार पढ़ोगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे, समझ बात हुई, जैविक प्रभाव। तो जैविक प्रभाव क्या हो, जब किसी पारितंत्र, पारितंत्र के अंदर जो प्रजातियां रहती है ना, आपस में जब इंटरेक्ट करती है, अंतर निर्भरता होती है उनके बीच में, समझ आई बात, और दोनों जीव, जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता ही, या एक जीव जब अंतर संबंध बनाता है, तो संबंध बनाने के दौरान ना एक जीव दूसरे जीव पर प्रभाव डालता, इस प्रभाव को हम जैविक प्रभाव कहते हैं। आया समझ, ये मार्कर, मार्कर आया ऐसे टच कर दिया, समझ, ये जैविक प्रभाव नहीं है क्योंकि मार्कर निर्जीव, समझ बात यार, अगर ये सजीव होता, समझ बात, ये भी सजीव होता, जीव होता, तो एक जीव दूसरे जीव के साथ संबंध बना रहा, तो इसमें एक प्रभाव, जो पर, इन, क्या तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकेगा, नकारात्मक भी हो सकेगा, समझ में आया बात या ठीक। ऐसे प्रभाव को हम जैविक प्रभाव कहते हैं, जैविक प्रभाव, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कल को याद नहीं करके आए ना, तो चट्टा काले पर मारूंगा, कौन सा प्रभाव है, संबंध तो ये भी है एक प्रकार का, समझ में आया बात या। लिखो, अतः जीवित प्राणियों की वे क्रियाएं, अतः जीवित प्राणियों की वे क्रियाएं जो जीवों पर प्रभाव डालती है, जीवित प्राणियों की वे क्रियाएं जो जीवों पर प्रभाव डालती है, अतः जीवित प्राणियों की वे क्रियाएं जो जीवों पर प्रभाव डालती है, जीवित प्राणियों की वे क्रियाएं जो अन्य जीवों पर प्रभावित करती है, अन्य जीवों को प्रभावित करती है, जीवित प्राणियों की वे क्रियाएं जो अन्य जीवों को प्रभावित करती है, जैविक प्रभाव कहलाती है।
बात समझ आई है, कोई दिक्कत? इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है कहाँ तक? अब जरा एक बात और सुनो, एक डी बेरी नाम के एक पर्यावरणविद थे, 1897 में उन्होंने एक वर्ड दिया, कह रहा है किसी भी पारितंत्र के अंदर ना जो सभी प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी भी पारितंत्र में। सही बात है, मान लो हाथी है, जिस स्थान पर रह रहा ना, जिस स्थान पर रह रहा उसी स्थान को बार बार खोद दो जाएगा, खोद खोद कर बैठेगा, खोद खोद कर बैठेगा, क्या होगा उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर नीचे जीव दबे हुए थे वे बाहर निकल कर जाएंगे, उन्हें जीवन मिल जाएगा, वे जीव बाहर जाएंगे, जैसे बाहर जीव कुछ दिन रहेंगे ऊपर तक कीट कीट पतंगे आएंगे उन्हें खा जाएंगे, ऐसे समझ लो, समझ आई बात या? खा जाएंगे, खाने के बाद पता क्या होगा उसके बाद जो पर्यावरण, उसके बाद खा जाएंगे फिर उन जीवों को कोई और खा जाएगा, पूरी पूरी खाद्य श्रृंखला बनी हुई नहीं बनी हुई, ऐसे समझ लो। यूपीएससी में सवाल था पीछे, कल यूपीएससी में सवाल था, चेक कर लेना घर जाएगा, समझ आई बात या? ऐसा करके तो पूरी पूरी जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई ना वह निर्भर बनी रहेगी, यदि हाथी इतना इंपॉर्टेंट है, बात समझ आई बात या? हाथी तो इम्पोर्टेंट, कोई भी प्रजाति हो चाहे वो पूरी पूरी खाद्य श्रृंखला बचा कर रखागा, वो संबंध तो पाया जा रहा है ना, इतनी बात बता। तो इस तरह किसी भी समष्टि के अंदर, मतलब कोई भी पारितंत्र हो, पारितंत्र के अंदर जितने भी प्रकार के जीव रहते हैं उनके सबके बीच में एक संबंध पाया जाता है, उस संबंध को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। हिंदी में एक बहुत अच्छा नाम है, उसका नाम है सहजीविता। तो किसी भी समष्टि के अंदर सभी प्रकार के जीवों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे एक नाम दिया, डी बेरी नाम की एक पर्यावरणविद ने 1897 के अंदर, उसका नाम वैज्ञानिक का नाम बिल्कुल याद रखना, किसी पेपर में नहीं पूछा जाने का, संबंध जरूर याद रखना। सहजीविता का मतलब वो सभी प्रकार के जीवों के बीच में पाया जाने वाला संबंध, और सहजीविता संबंध का मतलब वो साथ रहना, क्या हो रहना। इतनी बात बताओ समझ में आ रही है? तो मैं सहजीविता के आगे एक तीर का चिन्ह लिखवा कर ये बात लिखवा देता हूँ, इसी सहजीविता का मतलब क्या हो, खाली एक हेडिंग लिखो, सहजीविता, सहजीविता। इसमें लिखो जीवों के मध्य सभी प्रकार की अन्योन्य क्रिया, जीवों के मध्य सभी प्रकार की अन्योन्य क्रिया, जीवों के मध्य सभी प्रकार की अन्योन्य क्रिया, ही सहजीविता कहलाती है, सहजीविता कहलाती है। बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ मैं, याद रखना तुम्हें, क्योंकि पढ़ना तो एक ही बार फिर भी विजन करना रह जाएगा, समझ में आया बात या? एक बार पढ़ लोगे इसे, इसे सुनने में तुम ज़्यादा दिक्कत भी नहीं खड़ी होने की। सही, मेरे हाथ में बहुत मोटी किताब है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ता हूँ सर, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। अच्छा, सहजीविता के राइट में लिख दो साथ रहना, उस तौर भी आसान हो जाएगा, नोट थोड़ा तमीज से बनाओ। ना ना, इतना कहाँ, इतना किसी पर टाइम है क्या? जितने टीचर है, पहली बात तो पहला फैक्टर उनकी शादी हो चुकी, उन्हें अपना घर चलाना, अगर पैसा नहीं मिलेगा इसमें सबसे बड़ा कारण भी, इतने हम तो डिटेल को होले से पढ़ा रहे, मेरी शादी नहीं हुई, जिस दिन होगी ना तो मेरे साथ बात भी नहीं करना है, मैं रास्ते में लेके ना चल निकल कमा बजा नमस्ते भी ले ली, इतने बिजी हो जाए इंसान। और दूसरा कारण क्या है, सिलेबस इतना बड़ा किसी को पता नहीं है, और तीसरा क्या है, मैं खुद भी तो तैयारी कर रहा हूँ ना, मुझे तो खुद भी पेपर देना, तो मैं वो कोई चीज़ गलत बता ही नहीं सकता, तुम समस्या मेरे लिए बन जाएगी, समझ बात यार, सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, समझ में, हाँ बिल्कुल, ये तो दिमाग चाहिए हम। अब क्या है, तो ये बताओ दो प्रजाति इनके बीच में अन्योन्य क्रिया पाई जा, अब अन्योन्य क्रिया पाई जाएगी इन दोनों के बीच में, तो हो सकता इनका जो संबंध इसमें फायदा हो, किसी संबंध में फायदा भी हो सकता, नुकसान भी हो सकता। अगर इन दोनों का आपस में संबंध बनाने का फायदा हुआ
उस संबंध से कोई फायदा है। मान लो कग्गे आकर भैंस के ऊपर बैठना स्टार्ट कर दिया और कग्गे खोद खोद को खोद खोद को खोद खोद को भैंस को नुकसान पहुंचा दिया, फिर तो हानिकारक संबंध है, ऐसा समझना। तो हो सकता है इन दोनों के बीच में संबंध पाया जाएगा, क्या तो उसमें फायदा हो सके या फिर नुकसान हो सके। तो इसलिए जो अन्योन्य क्रिया के आधार पर ना अन्योन्य दो पर एक ही पारितंत्र के अंदर, देखो भाषा समझो, एक ही पारितंत्र के अंदर अगर जो दो प्रजातियां हो ना उनकी उनके बीच में, या दो जीव होंगे या प्रजाति हो, दो प्रजातियों के बीच में जो भी संबंध पाया जाएगा अगर उसका फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ, तो धनात्मक धनात्मक यानी पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, धनात्मक अन्योन्य क्रिया संबंध होगा, धनात्मक अन्योन्य क्रिया होगी, वह उसे बोल लेंगे पॉजिटिव इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन लिखा हुआ नहीं, इंट्रैक्शन होगा। हो सकता है अगर इन दोनों जो इकोसिस्टम में जो परितंत्र में जो प्रजातियां रह रही आपस में इन्होंने संबंध बनाया, संबंध बनाने के दौरान नुकसान हुआ, तो जो संबंध पाया जाएगा उसे हम बोल लेंगे नकारात्मक, नकारात्मक अन्योन्य क्रिया होगी। नकारात्मक का मतलब निगेटिव हमारा इंट्रैक्शन होगा, तो दो ही प्रकार का हो सकता हो। समझ में आई बात? या मैंने सिंबल जो यूज करे वो भी मैंने तुम्हें बता दी, जो सिंबल यूज करे अभी मैं। नमस्ते, पढ़ लिए? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये लिखो कि अन्योन्य क्रिया, लिखो अन्योन्य क्रिया, नहीं बिल्कुल नई लाइन से, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर संबंध के प्रकार, अन्योन्य क्रिया के आधार पर संबंध के प्रकार, ऐसा नहीं लिखो, ऐसे लिखो अन्योन्य क्रिया, ख्याल ली अन्योन्य क्रिया कितने प्रकार की हो, तो कौन सी क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन, इंटररिएक्शन भी कह सकते हैं, इंटररिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अन्योन्य जो क्रिया होगी वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव हो सकती है, एक निगेटिव होगी। एक तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव POSITIV, पॉजिटिव इंट्रैक्शन की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई, एक निगेटिव हो सके, निगेटिव इंट्रैक्शन NEGATIVE, ठीक है, लिख लो ना स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये निगेटिव, ये तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो सके या निगेटिव इंट्रैक्शन हो सके, या कुछ वर्ड आगे वो बहुत जरूरी तुम्हारे लिए, और वही संबंध हमारे उसे हम आगे पढ़ने वाले। अन्योन्य क्रिया के आधार पर पहले तो हम समझ रहे हैं अन्योन्य क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की, ऐसी हो सके जिसमें बेनिफिट होगा, ऐसी हो सके अन्योन्य क्रिया जिसमें नुकसान होगा। समझ बात क्या लिखा तुमने, अन्योन्य क्रिया एक तरफ लिखो धनात्मक अन्योन्य क्रिया, एक तरफ ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, एक तरफ धनात्मक अन्योन्य क्रिया, एक तरफ ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, धनात्मक अन्योन्य क्रिया, तो सुनो ये दो प्रजातियां किसी भी परितंत्र के अंदर जो दो प्रजातियां होगी ना जब आपस में हुए इंट्रैक्ट करती होगी, संबंध बनाती होगी, संबंध बनाने के दौरान ना एक दूसरे के विकास में सहायक हो सकती है। अगर एक दूसरे के विकास में सहायक होगी तो ये तो बात पक्की, तो बेनिफिट ही होगा, ऐसा मतलब, ठीक। या एक दूसरे के विकास में जब सहायक होगी, उत्तरजीविता का मतलब यही तो हो कि एक दूसरे पर डिपेंड करती होगी, ऐसी डिपेंड करती होगी, अगर उन्हें बेनिफिट हुआ, अगर बेनिफिट हुआ तो इसका मतलब जो संबंध पाए, जो क्रिया पाई जाएगी उसे धनात्मक अन्योन्य क्रिया बोल लेंगे, ऐसा मतलब। अगर दो प्रजातियां आपस में इंट्रैक्ट कर रही, इंट्रैक्ट करने के बाद तो इसका ही मतलब होगा कि आपस में तो दोनों के दूसरे विकास में सहायक, जैसा जो भैंस थी भैंस के ऊपर आए कोवे बैठे लेंगे तो भैंस का भी विकास फायदा हुआ और कोवे को भी फायदा हुआ, ऐसा समझ, और दोनों का विकास हुआ, इसका मतलब वो उनके बीच में जो क्रिया हुई ना वो धनात्मक अन्योन्य क्रिया। हालांकि उस संबंध का अलग नाम, सही बात है, उसे सहजीविता, उसे अलग अलग नाम, उसे कोई अलग संबंध बोलते हैं, संबंधों के नाम भी बताऊंगा तुम्हें, तुम बताऊंगा इसमें जो धनात्मक अन्योन्य क्रिया उसमें कौन से संबंध आते हैं और ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया में कौन से संबंध आते हैं। UPSC कितना स्मार्ट ये ऐसा नाम देगा ना बच्चों को कन्फ्यूज कर देगा, और ये पूछेगा धनात्मक अन्योन्य क्रिया में कौन सा संबंध आगा और ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया में कौन सा संबंध आगा,
समझ बात, हालांकि 8-9 प्रकार के संबंध में मैं तुम्हें समझाने वाला, लेकिन हो सकता हो इतना बेवकूफ बना दे तुम्हारा, इतने डेप्थ में जा चला जाएगा वो, गया हुआ भी वो पूछ लेगा धनात्मक अन्योन्य क्रिया में कौन से संबंध आगे, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया में कौन से संबंध आगे, 8-9 प्रकार के संबंध सारे। संबंध क्या हो, दो प्रजाति आपस में इंटरेक्ट करती है किसी भी पारितंत्र को, तो उनके बीच में संबंध पाया जाता है। हो सकता है किसी को फायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, हो सकता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और उनके एग्जाम्पल भी पूछो, इनके बीच में कौन सा संबंध पाया जाएगा, तुम खुद ही उदाहरण देता, खुद ही पूछेगा बताए इनके बीच में कौन सा संबंध है। समझ नहीं बात है, अगर तुम सारे संबंध क्लियर हो गए, एक सवाल पक्का, ये बहुत हॉट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है बिल्कुल ही। समझ नहीं बात है, इसे मैं बहुत आराम आराम से अपनी स्पीड रख रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग में से डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझाइए, यार लाइन लिखो उसमें, धनात्मक अनन्य के हवाले में लिखो, ऐसे ही चार्ट चार्ट की फॉर्म में बनाना, उससे क्या रिविजन करने में सर नहीं हो। लिखो जहाँ, इसमें लिखना धनात्मक अनन्य क्रिया में, जहाँ दो जीव एक दूसरे की उत्तरजीविता और विकास में सहायक है, जहाँ दो जीव एक दूसरे की उत्तरजीविता एवं विकास में सहायक हैं, दोनों जीवित रह सकते हैं और एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ जो दो जीव एक दूसरे की उत्तरजीविता एवं विकास में सहायक है, जहाँ दो जीव एक दूसरे की उत्तरजीविता एवं विकास में सहायक है, इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही वह एक मार्गी होगी, एक मार्गी होगी, द्वि मार्गी होगी, व्युत्क्रमण हो सका नहीं, जरूरी थोड़ा ही नहीं इसे फायदा हो, इसे भी हो सका। तो इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, धनात्मक अन्योन्य क्रिया, यह व्युत्क्रमण ही हो सका नहीं, हो सकती, इसका मतलब इसे भी फायदा हो सका, फायदा इसे भी हो सका, इसे भी हो सका, इसे जरूर नहीं सही फायदा होगा, आया समझ में, लेकिन होगा तो एक को ही, इसे दोनों की एक मार्ग, इसका एक मार्ग का मतलब भी व्युत्क्रमणी हो, एक मार्ग का मतलब व्युत्क्रमणी, दूसरा सब ऐसे याद रख लो, एक मार्ग का मतलब व्युत्क्रमणी, तो इन दोनों में तो जो फायदा हो सके ना, फायदा हो सके, जरूर थोड़ा ही नहीं इसे फायदा फायदा होगा, नुकसान फायदा से भी हो सके। सही बात है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिखो, यह क्रिया व्युत्क्रमणी होती है, यह क्रिया व्युत्क्रमणी होती है, कौन सी क्रिया है, धनात्मक अन्योन्य क्रिया, यह क्रिया व्युत्क्रमणी होती है, व्युत्क्रमण लिखा ना उसके ब्रैकेट में एक मार्गी लिख दियो, एक मार्गी है या एक मार्गी, एक मार्गी नहीं, एक मार्गी लिखना, ऐसे लिखा जाएगा एक मार्गी, एक मार्गी। बताओ इतनी बात समझ में नहीं आई? अब जैसे इसका उदाहरण लिखो, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम पढ़ेंगे, यही पढ़ने में सहोपकारिता, सह सहोपकारिता, ऐसे लिखा जाए सहोपकारिता, सहोपकारिता, सहोपकारिता कोमस सहभोजिता, सहोपकारिता लेना प्रोटो कॉरपोरेशन, PROTO, प्रोटो, प्रोटो कॉरपोरेशन, COPERATION, प्रोटोकॉपरेशन, सहोपकारिता, ये संबंध पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ लिया। दूसरा सहभोजिता, सहभोजिता, बस इतनी बात याद रखनी कि जो सहोपकारिता संबंध, सहोपकारिता जो संबंध है ना, ये धनात्मक अनुन्य क्रिया हो, इसमें पक्का बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होने का। एक सहभोजिता, सहभोजिता का नाम लिखो इंग्लिश में, इसका नाम कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, COMMENALISM, सहभोजिता। अब इधर चले जाओ, सेम परिभाषा होगी बिल्कुल, बस उदाहरण बदलेंगे, बस उदाहरण बदलेंगे, जहाँ लाभ हो रहा था ना उसकी जगह क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब देखो पहले वाली परिभाषा क्या थी, पहले वाली परिभाषा क्या लिखवाई थी, तो यहाँ सहायक होंगे नहीं होने के, तो लिखो इसमें, लिखो लिखो जहाँ, जहाँ दो जीव एक दूसरे की
उत्तर जीवता एवं विकास में सहायक नहीं होते हैं बल्कि घातक होते हैं, सहायक नहीं होते हैं बल्कि घातक होते हैं, बल्कि घातक होते हैं। ऐसी क्रिया क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। स्पर्धा, कंपटीशन, लिख दिया ना, जैसे मैं लिखो। अच्छा ये भी व्युत्क्रमणीय होगा, तो वही बात, ये भी लिखना इसका पॉइंट, यह व्युत्क्रमणीय होती है, यह क्रिया भी व्युत्क्रमणीय होती है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो तुम उसमें। स्पर्धा, कंपटीशन, COMPETITION, कोमा लगाओ। इसके बाद परभक्षण, ये तो सवाल था, गिलहरी परभक्षण होती नहीं, पेड्रेशन बोलते हैं सर, PREDATION, पेड्रेशन, प्रिडेशन। एक परजीविता, कोमा लगाकर परजीविता, परजीविता। PARASITISM। उसके बाद प्रतिजीविता, कोमा प्रतिजीविता, पैरासिट्स, प्रतिजीविता। एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस, परजीविता, प्रतिजीविता, ये उदाहरण है इसके। ठीक, मोटे मोटे तौर भले ही तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता भी, अब आगे हम जितने मैंने संबंध लिखे हैं ना सारे मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ाना होगा। यहाँ तो सवाल का अलग पूछ, मुझे इस बात का डरता हूँ कभी ऐसा सवाल ना पूछ ले कि ये कौन सा संबंध है। अब तुम्हारे दिमाग में बात छप गई कि इसमें फायदा होगा पक्का, सहोपकारिता में पक्का फायदा होने वाला, अभी सहभोजिता इसमें भी फायदा होने वाला, और दोनों जीव एक दूसरे के विकास में पक्का सहायक होगा, इसमें एक दूसरे यहाँ प्रतिस्पर्धा होगी तो एक दूसरे घातक वैसे ही हो जाएंगे। सही बात या परभक्षण में, सही बात या इसमें विकास घातक होंगे क्योंकि जो गिलहरी सब कुछ खा जाएगी, एक दूसरे को खा जाएगी, वह तो परभक्षण हो, ये परजीविता होगी या ये प्रतिजीविता होगी। ठीक, इसे बोलेंगे एंटीबायोसिस, इंग्लिश का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट कि वहां पेपर में ना इसे एंटीबायोसिस को हिंदी में लिख कर चला जाएगा, और तुमने पढ़ रखा केवल प्रतिजीविता, तो दिक्कत वहां खड़ी हो जाएगी, और वहां जैसे तुम ऐसे पढ़ देखोगे तुरंत बाहर निकल बोल लो पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए बहुत जरूरी हो ये जितने नाम बताए तुम। समझ में आया बात या? अब हेडिंग बनाओ अन्योन्य की जगह प्रकार, अब हेडिंग अन्योन्य की जगह प्रकार, ये संबंध कितने प्रकार के, अन्योन्य क्रिया के प्रकार। अरे ऐसा करके एक टेबल बनेगी पूरी पूरी, यहाँ तो सहचार्य लिखे जाएगा, सहचार्य का मतलब संबंध हो, यहाँ लिखे जाएगा प्रजाति ए, कोई प्रजाति हो सकेगा, दो ही तो प्रजाति है, प्रजाति ए, यहाँ लिखे जाएगा प्रजाति बी, और ऐसा करके ना ये 7-8 टेबल बना लो, इस तरह करके ये 7-8 कॉलम से बना लो, ऐसा करके पहले अपने खेजा का उदासीनता, और दूसरे में लिखा जाएगा सहभोजिता,
ये सारे संबंध सह, ये तो सारे सहचारी है, सहचारी में तो संबंध हो, सहभोजिता। उसके बाद तीसरे में लिखा जाएगा सहोपकारिता, सहोपकारिता। चौथे में लिखा जाएगा भैया परजीविता, और पांचवे में लिखा जाएगा भैया परभक्षण। और छठे में लिखा जाएगा स्पर्धा। क्या होगा परजीविता, क्या होगा गलत है क्या, कोई दिक्कत? अब समझते हैं उदासीनता में क्या होगा, उदासीनता जो होगा उसमें क्या होगा। अच्छा, जो उदासीनता मुझे होगा उसका उदाहरण क्या होगा, हो सकता है जब दो प्रजा, ये इकोसिस्टम है पूरा हमारा पारितंत्र, इस पारितंत्र के अंदर बहुत सारी प्रजाति रहती होगी एक पर, और ये प्रजाति आपस में इंट्रैक्ट करती होगी। इंट्रैक्ट करने के दौरान जब आपस में ना तो इसको फर्क पड़ा ना इसको फर्क पड़ा, ऐसा समझ लो जैसे किसी का डिवोर्स होगा हो और दोनों की शादी होगी डिवोर्स होने के बाद, ना उसको फर्क पड़ रहा, कौन सा संबंध है, उदासीनता। और उदासीनता के लिए क्या यूज करेंगे, उदासीनता के लिए इसमें भी जीरो, पहली वाली प्रजाति कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो जहां भी तुम्हें लग रहा है ना किसी भी पारितंत्र में तुम्हें ऐसा लग रहा है ये दो प्रजाति आपस में संबंध जरूर बना रही लेकिन किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे उदाहरण ले लो, कुछ भी ले लो भाई, समुद्री पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र मन जो समुद्री पारितंत्र के अंदर जो जीव रहता है उसका नाम सांप, सांप और जो व्हेल मछली, व्हेल मछली बड़ी बड़ी मछलियाँ, सांप को तो खाने तो नहीं हुआ, छोटे छोटे सांप, इतने छोटे छोटे सांप भी पाए जाते हैं अलग टाइप के, दोनों में ही रह रही एक दूसरे पर, आपस में इंट्रैक्ट कर रही, इंट्रैक्ट जरूर करेगी लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। अगर तुम्हें लग रहा है इसका इस पारितंत्र में लग रहा तुम कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, संबंध है रह रहे जरूर, क्यों पानी ना जो पानी वो जो पारितंत्र पूरा का पूरा उस पारितंत्र में संबंध है, क्योंकि जो सांप को खाने वाला जीव है ना, सांप को खाने वाला जीव वो दूसरा, सांप को मछली नहीं खा रही कोई दूसरी छोटी मछली खा रही चाहे, समझ में बात है, और उस छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही, संबंध तो है ऐसा समझ में, लेकिन उनके उस पारितंत्र में रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक दूसरे पर, संबंध बना रही है। तो इस तरह वहां जो संबंध पैदा हो उसे उदासीनता बोल लेंगे, और उदासीनता के लिए जीरो जीरो, समझ गए। और सहभोजिता में बता क्या होगा, अगर इन दो प्रजातियों ने संबंध बनाया आपस में पारितंत्र में, एक जब संबंध बनाया अब पहली प्रजाति को भी लाभ होगा और दूसरी प्रजाति को भी क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका मतलब जो उनके बीच में संबंध पैदा होगा उसे सहभोजिता बोल लेंगे, सहभोजिता। बहुत सवाल पूछे सहभोजिता, समझ नहीं पाते। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये संबंध सहभोजिता वाला संबंध है या नहीं है, समझ नहीं पाते। मैं उदाहरण अभी तो मैं डिटेल इसे एडिंग बनवा के इसे सब डिटेल्स और उनके उदाहरण उदाहरण भी, समझी बात। उदासीनता, सहभोजिता, सहोपकारिता, परजीविता, परभक्षण, स्पर्धा। बस तुम्हें अभी बाहर से फीलिंग दे रहा हूँ उसका मतलब क्या है। अब ये क्या है सहोपकारिता, देखो सहोपकारिता मैंने बताया नहीं, सहोपकारिता में भी प्लस प्लस आगा, अब इसमें क्या होगा, ये भी पक्का पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा सहोपकारिता में, हाँ तो नहीं, तो दोनों को बेनिफिट होगा। अब परजीविता जो होगा, परभक्षण होगा, इसमें पक्का हानि होने वाली, हानि होने वाली नहीं होने वाली, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है क्या बात बताई जा रही है। ऐसा है भोजिता ने लिखा मैंने, ऐसा है भोजिता भी लिख दो इसमें, ठीक। अब कौन सा आने वाला, परजीविता। परजीविता में पता क्या होगा, एक प्रजाति को फायदा हो जाएगा और एक को नुकसान हो जाएगा, जब आप संबंध बना गए। अब तुम सोच रहे हो कैसे, थोड़ा टाइम दो इन पर यारे डिटेल्स, बस ये चार्ट समझाना था इसका होक मतलब क्या हो, एक को तो फायदा हो जाएगा और एक को क्या हो जाएगा, नुकसान। बकरी है, बकरी को खागा शेर, फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, कैसा संबंध, परजीविता ना ही पर दूसरे पर निर्भर रहना, परजीविता नुकसान होना, नुकसान।
अच्छा क्रिया कौन सी, शेर और बकरी के बीच में कौन सी क्रिया, धनात्मक अन्योन्य क्रिया, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। अब जब खुद ही पहचान लिया, सही बात है, समझ डेवलप करनी, पढ़ने का मतलब रटना नहीं है, भी कह रहा हूँ समझ डेवलप करनी। जैसे समझ डेवलप हो जाएगी ना, सब्जेक्ट के प्रति जैसा सिलेबस के प्रति समझ डेवलप हो जाएगी, फिर सारे पर्सन कर लोगे। कोई पर्सन तुम्हारे शिकंजे से बाहर जा रहा है, इसका मतलब समझ नहीं आया अभी, उस पर डिबेट नहीं हुई, जिस दिन उस पर डिबेट हो जाएगी तुम्हारे शिकंजे में आ जाओ। ठीक, पोलोटी तुम्हें लग रहा हो कितने दिन में निमट जाते हो, पोलोटी पोलोटिया कोर्स कितने दिन का लगता हो तुम्हें, अगर तमीज से पढ़ा, तमीज से पढ़ो कितने दिन में निमट जाओ पोलोटिया कोर्स। हाँ, 5 दिनों पूरी पोलोटी खत्म हो जाएगा, तमीज शुरू से खत्म करो, लास्ट तक खत्म करके दिखाऊंगा, समझ में आई बात है। 5 दिन और रिविजन एक एक पर्सन कर दोगे तुम उसमें, लेकिन थोड़ा ही कि शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहे, और तुम यूपीएससी के पेपर के लिहाज से पढ़ने बैठे, तो उसमें आइडिया लगाना पड़ो कि क्या आगा। अब बैठ कर वहाँ डेट याद कर रहे, जो चीज़ नहीं पढ़ने की वो भी पढ़ रहे, एक चैप्टर 8-10 मिनट में खत्म हो जा, कौन सी लाइन, वो कैसे पता लगेगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख कर, वो तुम्हें सब बता देगा, इतना पढ़ना ही नहीं था। अब बैठ कर राष्ट्रपति के सारे सुरते लेकर लास्ट तक के सारे राष्ट्रपति रट रहे, फिर तो बदतमीजी ना, सारे प्रधानमंत्री रट रहे बैठ कर, वो तो मैंने जान पूछ कर पढ़ाया, किसी को पीसीएस देना हो तो यूपीएससी नहीं पूछता इस तरह कर। एक सवाल बता दो इसमें सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछो, याद करना ही नहीं तो क्यों पढ़ना सर, ऐसे बच में तो ऐसा करूँ 5 दिनों पूरा, और वो करंट अफेयर के साथ जोड़ कर बता रहा हूँ मैं, समझ बात क्या। और इसमें फिर तुम्हें टेक्निक बताई जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन है जो ऐसा टैकल करना, समझ बात क्या। एग्जाम नहीं है, एग्जाम के अंदर मेंटरशिप का सबसे बड़ा खेल, रास्ता दिखाने वाला तुम्हारे लिए खुदा, जिन्हें रास्ता दिखा दिया, समझ में बात क्या, और तुम रास्ते पर चल लिए, समझ में आया बात क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलो, अब प्रभक्षण में क्या होगा, जैसे प्रभक्षण में एक बात पक्की, प्लस प्लस तो कभी नहीं आने का, ऐसा कितने के दिलों में कह रहा कि प्लस प्लस आने का नहीं, क्यों नहीं आने, एक माइनस तो पक्का आगा, चाहे कभी आओ, समझ आई बात है। इंट्रैक्शन करेगी और जो प्रभक्षण है ना, एक वो प्लस आगा एक माइनस आगा, ये प्रभक्षण है, प्लस का मतलब समझ गए, एक प्रजाति को पक्का फायदा हुआ और दूसरी क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब प्रतिस्पर्धा, इसमें क्या है, इसे भी नुकसान, दोनों को इस पर कंपटीशन करने पर लगे, तू सर्वोच्च मैं सर्वोच्च, जैसे एक पति पत्नी लड़ते रहते हैं ना, बस दोनों का एटीट्यूड है बिल्कुल भी, मैं उसके साथ बोलने की नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ वो मर जाए मेरी तरफ, तो मैं जीवोश लेकर रहूंगी सर, ऐसा मैं होता नहीं घर में इस तरह, दोनों को नुकसान तो दोनों को हो रहा है, ऐसा मतलब चाहे 4-5 दिन बाद फिर भी इतेंगे, फिर दूसरे के पास आ जाएंगे, नुकसान तो दोनों को हो रहा, और दोनों की याद आ रही पति पत्नी। एक केस आया था मेरे को हमने कल पड़ते जाता, मैंने कहा डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स दिलाओ सर, डिवोर्स का प्रोसेस बताओ, मैंने कहा जब बहुत टाइम लग रहा है डिवोर्स में, एकदम नहीं होने का, फैमिली कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, जानने दी बिल्कुल भी, फिर से समझाया मैंने धीरे धीरे, मैंने कहा नहीं, समझ में आया बात है। तो उनके बीच में क्या हो रहा, कंपटीशन हो रहा, प्रतिस्पर्धा हो रही, ये कंपटीशन है ना, ये एक प्रकार का संबंध है, प्रतिस्पर्धा वाला संबंध है, ये सहचारी एक प्रकार का। अब असहभोजिता, कौन सा असहभोजिता, इसमें क्या होगा, एक प्रजाति को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता और दूसरी को पता क्या हो जा, नुकसान हो जा, दूसरी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसे असहभोजिता बोलते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, एक को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और दूसरी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसे ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, असहभोजिता। यह टेबल क्या तुम्हें फटाफट रिविजन करने में आसान नहीं दे देगी तुम्हें, क्यों दे देगी, जब तुम इनके सबके बारे में पढ़ लोगे डिटेल तक, समझ बात क्या। फिर तुम रिविजन करने बैठे, तो जैसे तुम रिविजन करने बैठोगे ना, तो तुम्हें सारा नहीं पढ़ना पड़ने का, यूँ नहीं, एक बार ना समझना है ना, बहुत फटाफट इसके उदाहरण देख के, इसके उदाहरण देख के, इसको टेबल पर नजर मार ली, काम खत्म, ऐसा हो रहा जाओ रिविजन। सही, जब मैं हिंदी साहित्य का सिलेबस पढ़ रहा था ना, तो इतना बड़ा बड़ा नोट्स पढ़ा हुआ उसमें, 8-8 पन्नों का नोट्स था, मैंने कहा तो पढ़ते पढ़ते मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, मैंने क्या करा उसमें से 1-2 ही पेज का नोट्स निकाल लिया, कोई सा भी प्रश्न आ जाए ना, तो मैं इसका उत्तर ऐसे लिखूंगा लिखूंगा, मेरे कबीरदास के सारे दोहे याद ही नहीं हो रहे, और वहाँ तो व्याख्या आ रही, और व्याख्या आ रही, एक तो मेरी मूर्खता में से छोड़ दो, और दूसरा तरीका में कोई सही पर्सन आ जाओ सर, करूंगा जरूर, चाहे कोई सी टेक्निक से देखूँ, फिर उसको मैं शॉर्टकट ढूंढ लूंगा, मैं छोड़ने का है नहीं, इसका शॉर्टकट ढूंढ लूँ, ये बात बताओ सर मैं नहीं, ये बात नोट करो सर टेबल में।
ए चुप हो जाओ, तो उदासीनता पहले नंबर पर ना। अब जितने रिलेशन है सारे पढ़ने हैं, एक उदासीनता, उदासीनता यानी किसी पारितंत्र में ना, सुन लो मैं लिखवा नहीं रहा, घर जाकर लिख लो इसकी परिभाषा, मैं बोल के बता रहा हूँ सिर्फ, इससे मैं अपना टाइम बचाऊंगा, जहां मुझे लगाने सूटेबल परिभाषा वहीं लिखवाऊंगा, धारण भी वहीं लिखवाऊंगा। उदासीनता एक ही पारितंत्र के अंदर जब दो प्रजातियां एक साथ रहती है ना, एक साथ अन्योन्य क्रिया करती है, अन्योन्य क्रिया करने के दौरान और दोनों एक दूसरे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हो, उदासीन हो, तो उनके बीच में जो संबंध पैदा हुआ उदासीनता वाला संबंध कहते हैं। बात समझ में आई बात? दोबारा फिर समझ लो, जब एक ही पारितंत्र में दो प्रजातियां रहती है और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो, और जब आपस में अन्योन्य क्रिया करती है दोनों एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी कोई फर्क ही ना पड़ता हो। सही बात क्या? दोनों एक प्रति दूसरे के प्रति उदासीन हो, पारितंत्र में रह रही इंट्रैक्शन भी हुआ और कोई फर्क ही ना पड़ा, तो तुम्हें लग रहा ना, तो उनके बीच जो संबंध पाया जाएगा उसे बोलते हैं उदासीनता। सबसे सामान्य संबंध यही है। समझ बात क्या? इतना ही लिखना है इसमें। दूसरा पॉइंट है हमारा सहभोजिता। सबसे इंपॉर्टेंट यही सहभोजिता, और ये भी नहीं पूछता सहभोजिता क्या है, कौन सा संबंध पाया जाएगा, ये पूछेगा उसका उदाहरण क्या है, अरे उदाहरण काम के उस वही मुझे तुम्हें लिखवाने। अब सहभोजिता का नाम बताया था मैंने, सहभोजिता का वहां देखो क्या बताया था, कम्युनलिज्म, क्या स्पेलिंग थी, CommunalismSM, ये जो नाम है ना इंग्लिश में जरूर याद रखना, सहभोजिता वाला। अब ये हेडिंग बनाओ, दूसरे वाली हेडिंग यहां से, इसमें ना सहभोजिता में जीरो कर लिया, एक पर जीरो करना सहभोजिता में, दोनों को लाभ नहीं होने का, एक पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, बस ये मतलब है इसका, और ये भी तो एक प्रकार का लाभ ही। सहभोजिता में ना एक पर जीरो कर लेना, मेरे से मिस्टेक होगी, जीरो कर लेना यहाँ से। समझ में आया बात या? ठीक, तो इसमें पता लग गया, इसमें देखो यहाँ से देखो क्या परिभाषा बैठ रही, इस प्रकार का संबंध जो सहभोजिता होगी किसी पारितंत्र में, जब दो प्रजातियां होगी, दो प्रजातियां देखो, जब एक प्रजाति तो एक प्रजाति लाभान्वित होती है, लाभान्वित का मतलब समझते हो, जब एक प्रजाति तो लाभ हो और दूसरी प्रजाति उदासीन हो, तो जो संबंध पाया जाएगा उसे बोल लेंगे सहभोजिता। लिख लो सर, जब एक जीव लाभान्वित होता है, इतने कठिन शब्द इसलिए लिखवा रहा हूं, वहां अलग अलग ना दिखाई दे, एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, एक तो लाभान्वित हुआ, दूसरा जीव कैसा रहा, अप्रभावित, ठीक। अब बस सहभोजिता उदाहरण, एग्जाम्पल लिखो, नाम सुना तुमने लता का, बेल का नाम सुना तुमने, लता क्या बोलते हैं सर, लता इंग्लिश बोलते हैं क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स, लता, जो लताएं हो ना, जिसे कमजोर तने वाले पेड़ हो, उनका तना बहुत मजबूत नहीं होता, कमजोर तने वाले जो पेड़ हो उनके सारे ऊपर चढ़ जाती है। सही बात है, पेड़ तो ग्रोथ हो चुकी थी पहले, पेड़ पर कोई फर्क पड़ रहा, पेड़ पहले ग्रोथ हो चुकी, पहले वो जब पेड़ मजबूत हो चुका पहले ही, अब वो बढ़ना नहीं, बस बूढ़ा पेड़ हो मान लो, उसकी बराबर में हमने ना कोई लौकी तोरी इनकी बेल लगा दी, घर में ऐसा होकर उसके सारे भी ऊपर चढ़ जाएगी बेल, ऐसा और गांव में बहुत पाया जाए इस तरह कर। अब बताओ पेड़ पर कुछ फर्क पड़ रहा, नहीं फर्क पड़ने का मतलब जीरो, पेड़ है प्रभावित, फायदा किस हो रहा, लता को संबंध कौन सा होगा। अब यूपीएससी कैसा सवाल पूछेगा, इंटरेस्टिंग बना देगा, मैंने तो तुम्हें लता का उदाहरण दिया, वो कुछ और उदाहरण लेकर आएगा और तुम उदाहरण को पढ़कर ऐसा महसूस होगा तुम कि यहाँ एक प्रजाति पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कैसा भी उदाहरण हो सके, इतने सारे जीव दुनिया में, और तुम्हें लग रहा है यहाँ तो एक प्रजाति पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा, और जो दूसरी प्रजाति ना उसे लाभ हो रहा है, और तुम्हें लग रहा है ना एक प्रजाति पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा और दूसरी पर लाभ हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में एकदम
ऑप्शन में जरूर कहीं ना कहीं ढूंढ लो चाहे वो जीता लिखा हुआ हो, समझ गए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो यार, समझ में आया बात है। तो डरो ना कि जाम तक डर रहा, जो डर गया वो मर गया, सही बात है। बस मुझे यूं बता दो वो कौन है जिसके हाथ नहीं है अगर डरना ही तो बस ये बता दो मुझे, पढ़ा है नहीं बिल्कुल भी। अब तुम प्रभक्षण पढ़ोगे तो गिलारी वाला क्वेश्चन का ऑप्शन तो काट ही दोगे, पढ़ेगा जो 2023 में पूछा फिर, पढ़ा है नहीं, बस गीते गाने शुरू कर दिए, ये बात बताओ समझ में आई कोई दिक्कत। अभी लता के अर तुम्हें पता लगा, लता अर पेड़ के बीच में ना सहभोजिता वाला संबंध पाया, ये मैंने एक उदाहरण दिया, अभी मैं 4-5 उदाहरण दूंगा, समझ आई बात क्या, जैसे मैं लिखो जैसे सहभोजिता वाला मैंने तुम लिखवाया कुछ, जैसे लता लता में लिख लो, लता की याद आ जाएगी, फिर लिखो पौधे के सारे जब लताएं ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर पहुंच जाती है, अब ऑक्सीजन उसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन पोषण नहीं होगा उसके लिए, तो मिलेगा भोजन नहीं सर किस लता को, पेड़ पर पेड़ अप्रभावित रहता है, पेड़ अप्रभावित रहता है, पेड़ अप्रभावित रहता है, जैसे तुमने कहा पान, पान का पान की जो वो लता होगा, सही पान का पत्ता नहीं होता क्या, वो जो पान का पत्ता हो पेड़ पर आता हो वो लता हो पाओ ऐसा समझ में, और वो ऐसे ही पेड़ के सारे ऊपर चढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, मटर, मटर के जो पेड़ हो, मटर मटर के जो बेल हो, मटर के एक वो हो लताएं हो, वे भी इसका उदाहरण है। जैसे लिखो, जैसे अंगूर की बेल लिख लो, क्या दिक्कत हो रही, जैसे अंगूर, सेब, सेब की बेल कौन लिखना, सेब की कौन सी बेल हो जी मैडम जी, जी मैडम जी, सेम, मटर, पान, ये सब लिखो आदि, अब बताओ, अब यूपीएससी तो कितना स्मार्ट है, यूपीएससी कितना स्मार्ट है, इसमें तो कुछ नहीं पूछने का हो, पता क्या पूछेगा तुमसे, अंगूर की बेल, बच्चा कंफ्यूज, बताओ अंगूर के बारे में पढ़ना पड़ा और यूँ नहीं बताओ, वो एप्लीकेशन पूछ रहा है, उसकी बात ही नहीं समझाओ, ऐसा पूछेगा अंगूर की बेल जब पेड़ के सारे ऊपर चढ़ जाती है, ऐसा सवाल बना दिया, देख कैसा सवाल बनाया, अंगूर की बेल जब पेड़ के सारे ऊपर चढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से इसमें कौन सा संबंध पाया जाता है, बच्चा काश मेरा गर्म अंगूर की बेल होती और ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, वहां से सहभोजिता, सहोपकारिता, परजीविता, परभक्षण, अच्छा सा लग रहा है अच्छा सहोपकारिता सहायता कर रही है, अच्छा सहायता कर रही है, देखो बच्चों का दिमाग 440 वोल्ट का ऐसा सोचेंगे नहीं सोचेंगे, ये सोचो इस तरह, वो क्यों सोच रहा है सर, पढ़ाई नहीं उसने, अब पढ़ाई इस तरह करी नहीं उसने कि उसका दिमाग और आगे काम कर सके। अब तुम पता लग गया सहभोजिता वाला संबंध है, एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सही बात है, एक को तो क्या हो रहा है बेनिफिट और दूसरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कौन सा संबंध हो सहभोजिता वाला, बात बताओ समझ में नहीं है। चलो अभी एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण, इसका ही दूसरा उदाहरण जो मेरी किताब में भी मौजूद है, उसका नाम अधिपादप, अधिपादप क्या हो ये सवाल पूछा हुआ 2001 में, 2010 में सवाल पूछा हुआ, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन पूछा हुआ पर पक्का, अधिपादप क्या हो इंग्लिश में लिखाऊंगा, अधिपादप क्या हो, जो अधिपादप जो हो पेड़ है ना, जो पेड़ हो पेड़ को ना साइड से सपोर्ट करते हैं, जो छोटे पेड़ हो ना साइड से निकल जाते हैं, पेड़ को सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सारा दे रहे एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे, जो बराबर में पेड़ निकल जाते, पेड़ या पेड़ पर ही पेड़ निकल गए, या पेड़ पर ही बराबर में जड़ से पेड़ निकल गए बिल्कुल भी, तो जब पेड़ पर पेड़ निकल जाते हैं तो हम अधिपादप बोलते हैं, अधिपादप, और ये पेड़ को सहायता करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करने का मतलब यांत्रिक तरीके से सपोर्ट करते हैं पेड़ को, सहायता देते हैं, लेकिन दूसरे पेड़ पर फर्क नहीं पड़ रहा, सही बात है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो उग रहा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो उग रहा, लेकिन जो इस पर कोई फर्क पड़ रहा, लेकिन फायदा किस हो रहा बड़े पेड़ को, और इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो ये तो बड़ी जगह उग रहा, क्या दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत है, समझ में आया बात है, तो इनके बीच में जो संबंध पाया जाएगा उसको क्या बोल लेंगे, सहभोजिता, सह दूसरा लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2 अधिपादप,
अधिपादप, ऐसे लिखे जाएगा अधिपादप। इंग्लिश में नाम लिखो उसका, ईपी, ईपीआई, पीएचवाई, पीईएस, ठीक। क्या बोल लेंगे, इपिटिस, लिखो उसमें। अनेक पौधे ऐसे हैं जो अधिपादप के रूप में दूसरे पौधे पर उगते हैं। जो अधिपादप के रूप में दूसरे पौधे पर उगते हैं, लिख दिया। जैसे एक पेड़ का नाम आर्कियड, 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 ऐसे ऐसे नाम दे दो वहां कन्फ्यूज। सुनो ध्यान लगाकर, ये क्या करेंगे, पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, यांत्रिक तरीके से सपोर्ट करते हैं। लिखो इसमें एक लाइन, लिखो अगली लाइन, इसमें लिखो ये अधिपादप पौधे पर सिर्फ यांत्रिक सहारे के लिए उगते हैं। ये अधिपादप पौधे पर सिर्फ यांत्रिक सहारे के लिए उगते हैं। ये अधिपादप सिर्फ पौधे पर यांत्रिक सहारे के लिए उगते हैं। यांत्रिक सहारा के बारे में लिखना, मैकेनिकल सपोर्ट, MECHANICL, मैकेनिकल सपोर्ट, SUPPORT, घर जाकर लिख लो इंग्लिश में, यूट्यूब से देख, मैकेनिकल सपोर्ट। और आज घर जाकर यांत्रिक सहारे के लिए उगते हैं। ठीक, तो पता क्या करते हैं सिर्फ ये, तो ये पोषण के लिए नहीं उगते कि ना भोजन चाहिए, नहीं, पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं साइड से। क्या भी क्या लिखा तुमने, यांत्रिक सारे के लिए उगते हैं, नैकी पोषण के लिए, नैकी पोषण के लिए। अच्छा, यूपीएससी करके कभी स्टेटमेंट बनाना चाहो ना, तो कैसे घुमाऊँ इस सवाल को, अगर मैं यहाँ से स्टेटमेंट बनाना होता तो मुझे ऐसा बनाता मैं कि अधिपादप, देखो मैं कैसे स्टेटमेंट बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। अधिपादप मुख्य पौधे को पर पोषण के लिए उगते हैं, यांत्रिक सहारे के लिए नहीं। दो सेंटेंस एक साथ नहीं जोड़े, आगे का पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया। ऐसी बदमाशी हर क्वेश्चन यूपीएससी में हर बार कर रखी है, क्या कितने स्टेटमेंट देखो, लो गलत है हमेशा, वो गलत ही होगा, वो सही देने का ही नहीं तुम, समझ ही बात है, वो सही देने का ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे कितने फैक्ट उठा लो जाकर। अरे ये बात हमें कैसे पता लगेगी, ना कोई इतना पढ़ सकता, जब नहीं पढ़ सकता ना, तो क्या करो, जाओ सो ट्रिक्स की तरफ, एनालिसिस कर लो, देख लो पता लग जाएगा तुम। आज तो तुम घर जाकर चेक कर लेना, डबल फैक्ट ऑलवेज रॉन्ग, डबल फैक्ट दे रखा, ये मैं बताया नहीं ना तुम अभी, ये ट्रिक्स है पेपर सोल्व करनी। जब भी पूरा एनवायरनमेंट खत्म कर दूंगा, एनवायरनमेंट क्वेश्चन सारे सोल्व करवाऊंगा जितनी भी आज तक आए, और सारे यूनि है कि तुमने पढ़ ही रखा है, बिना पढ़े भी तुम सारे सोल्व कर दोगे, बिना पढ़े भी। वो कौन है जो कह रहा था मैं 10 दिन तैयारी करिए प्रीलिम्स निकाल दिया, ऐसा भी तो वो IIT वाला, उसे पता क्या पढ़ना, वो जाता ही नहीं, वो सीधा पेपर उठागा। और यहाँ क्या कर, यहाँ सब जब पढ़ लेंगे जब पेपर उठाऊंगा, वो पढ़ने ही पेपर उठाकर बैठेगा। सो दुनिया का सबसे बड़ा मुरोखता काम है बिना पेपर के पढ़ना। अब जब भी पढ़ो ना कोई भी टॉपिक, पेपर पहले खोल लो। अभी यह कैटेगरी करती, पेपर की पर्सन ढूंढने में टाइम लगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी फिर, समझ में आया बात, ये बात समझ में आ रही, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। अभी थोड़ा ही, अब तो आजकल जमाना देखता हूँ PPT का जमाना चल रहा है, किसी को लिखना नहीं पड़ता, टीचर की बुद्धि कम होगी ना, तो बुद्धि कम होगी तो पेपर देकर पता क्या बोल रहा, होल थर्ड पेपर सारा दिमाग तो PPT में चला गया। इक्का मैंने कितनी बार बताया तुम्हें, इक्का क्या पढ़वाना मेरे को, पता क्या पढ़वाना, चाइनीज पढ़ा दूंगा ना, कुछ पढ़वा लो मेरे को, तो
सही बात है, तो ये मार्कर खत्म होगा बेटा। तो बच्चे जो टीचर का दिमाग था ना, हो उसके हाथ को फॉलो करता, उसका हाथ उसके दिमाग को फॉलो कर रहा था, वो पीपीटी को फॉलो कर रहा हो। सही बात है, मैं देख रहा था कि टीचर को नहीं कह रहा था कि मैं पीपीटी में देख के बता दूंगा तुम्हें क्या होगा, आगे बता दूंगा थोड़ा सही करवा दूंगा। अब पहले टीचर पता कैसे थे, सिर्फ मार्कर लेके चला था घर तक, मार्कर लेके चला था और कुछ नहीं लेके चला था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, और सारा दिमाग में रखना पड़ा था, और इतना बड़ा डाटा, अरे भाई से याद करने का फंडा तो पता, दिमाग में कैसे रखूँ सर, ये तो सबने बता दिया। अब तुम्हें सब की समझ तो होगी, इसे दिमाग में कैसे रखा जा, तुम्हें जो बीच में उदाहरण दे ना उसे मजबूत बना दो, समझना ये बात है, समझ में आया, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ मजबूत बना दो, कि ये नहीं कहने की तुम हमें पढ़ा नहीं हो, ये मैंने पढ़ रखा पक्का, इसमें एक को फायदा होगा और दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, सहबोजी का ही संबंध है, समझ बात यार, दिमाग लाई करेगा उस चीज को सोचेगा बैठ कर, ये मैंने पढ़ा जरूर चाहे कहीं पढ़ा हो, अरे भाई जी, भाई जी तो पक्का सुना मैंने, ये सहबोजिता वाला संबंध है, ये लताएं ना जो पेड़ पर चढ़ रही, पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ था सही, ऐसा सोच कर टिक मारा जा। चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, अच्छा उत्तक बताओ क्या हो, तो पौधे में कोशिकाएं हो, उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं ना, जो पेड़ की कोशिकाएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ पादप कोशिका, तो उसमें भी बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाए तो क्या बना वो उत्तक, तो ये जो अधिपादप हो ना, मान लो कोई हमारा पेड़ है पूरा का पूरा, वही पेड़ बनाने का तरीका मेरा ऐसे ही, तो इसकी बराबर हो फिर यहाँ कोई पेड़ उग गया, एक पेड़ उग गया सर। अब मुझे ये बताओ ना, इस वाले पेड़ की जड़ में एक उत्तक पाया जाओ, उसका नाम है वेलामन, वेलामन, मैं सही नाम चेक कर लूँ इंग्लिश में, देखो नाम क्या है इसका, वेलामेन, वेलामेन उत्तक, वेला मेन उत्तक, ये नाम है इसका उत्तक का, बहुत सारी पौधी पादप कोशिकाओं मिलाकर बनता होगा। अब यू क्या करेगा, इसी के सहारे इसे भोजन मिलता होगा, समझ बात है, तो ये क्या करेगा, यो वाला उत्तक इसके सारे इस अधिपादप को भोजन मिलता है, सही बात है, आदरता नमी ग्रहण करता है, नमी वातावरण से, अगर नमी ग्रहण करनी हो तो इस उत्तक के सारे इसे नमी ग्रहण होती है वातावरण से, समझ आई बात है, नोट NOT नोट, नोट में लिखो, लिखो अनेक अधिपादप, अनेक अधिपादप के वायव्य जड़ों में, अनेक अधिपादप के वायव्य, वायव्य जड़ों में वेलामेन उत्तक पाया जाता है, वायव्य जड़ों में वेलामेन उत्तक पाया जाता है, समझ में आया बात या? अब बताओ ये वायुमंडल, ये वायुमंडल और यहां से मिली से आदरता, आदरता का मतलब जानते हो, नमी, नमी ग्रहण करता, ये इस वेलामिन या हमारा अधिपादप, तो बहुत सारे अधिपादप ऐसे उनकी सबकी जड़ों में तुम्हें ये वेलामिन उतक मिलेगा, और वेलामिन जो उतक मिलेगा ना वायुमंडल से आदरता ग्रहण करने का काम करता है, तब जाकर ना भोजन प्राप्त हो, नमी मिलेगी, वह नमी कहीं आज की जड़ों में पानी जाएगा ना, इसलिए ये उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जा, समझ बात यार, क्योंकि वो एक ऐसा उत्तक जो अधिपादप की जड़ में पाया जाएगा, जब उसने अधिपादप पर सवाल पूछ लिया कि ये क्या कैसे क्या काम करते हैं, तो कभी अभी तो पूछ सको यूपीएससी अपना थीम जरूर रिपीट कर कि उसकी जड़ों में कौन सा उत्तक पाया जा, वेलामिन नाम का उत्तक पाया जा, और वो वेलामिन नाम का उत्तक ना क्या करेगा, वायुमंडल से नमी ग्रहण कर लेगा, क्योंकि पौधे को जीवित रहने के लिए ना पानी की जरूर आवश्यकता होगी, और पानी में क्या हो, नमी तो हो, वो नमी इसकी जड़ों में चली जाएगी, वो सारा काम कौन करके लेगा, अधिपादप के लिए वेलामेन, तो ये तो इंपॉर्टेंट वैसे भी होगा वेलामेन नाम का उत्तक, बात समझ में आई बात यार, तो वेलामेन नाम का उत्तक वायुमंडल से नमी ग्रहण करके लेगा था इस अधिपादप के लिए। अच्छा ये बताओ, ये हमारी पृथ्वी है, ये भी सवाल पूछ सको कभी जब नमी की बात आई गई, या कौन सी रेखा, विषुवत रेखा,
ये क्या है हमारे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऊपर ध्रुव नहीं है हमारा। तो नमी सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी, ध्रुवों पर या नीचे, ध्रुवों पर पाई जाएगी या विषुवत रेखा के पास पाई जाएगी नमी सबसे ज्यादा, ठंड कहां पड़े तो नमी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, आर्द्रता सबसे ज्यादा कहां मिलेगी। अभी तुम लोग कह रहे सबसे ज्यादा बर्फ, सबसे ज्यादा बढ़ नमी कहां, नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल पर। ये स्टेटमेंट गलत है, सबसे ज्यादा आर्द्रता हमेशा विषुवत रेखा के आसपास मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं तुम कि जो आर्द्रता ना वो ध्रुवों की तरफ जाने पे घटती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे आर्द्रता घटती है, नमी घटती है। इस बात को मैं नोट में लिखवाऊंगा यहीं से, समझ गए। ये स्टेटमेंट कभी पूछा जा सके कि ध्रुवों की तरफ जाने पर आर्द्रताएं घटती है, ठीक। अभी क्या लिखा, वेलामिन उतक पाया जाता है, लिख दिया। क्या लिखा, उतक पाया जाता है। चुपचाप ही छोटा सा पेट बना ले तो कुछ समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा पेट बना लो, पेट बनाकर ना उस पर वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आई नहीं आई, ये लिख लोगे जो मैंने तुम्हें बताया कि ध्रुवों की तरफ जाने पर आर्द्रता घटती है। घर से लिख लियो, यूट्यूब से लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात बताओ दिमाग में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। सुनो और सुनो, सुनो गौर से दुलिया अधिजंतु, इसे भी समझो। एक उदाहरण, कितने उदाहरण होंगे, दो उदाहरण होंगे ना साहब, वो चीज आगे तीसरा उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर तीन। मैंने कहा अभी कह रहा हूँ मैं, यूपीएससी में उदाहरण और उपयोग सबसे ज्यादा काम क्यों, एक उदाहरण अरे उपयोग उनसे पक्का सवाल पूछते। अधिजंतु, ये हेडिंग बनाओ अधिजंतु, तुम भी अधिजंतु ही रहोगे। नाम एपिजोनन, एपिजोनन जिसके सामने भी एपी लग जाना, एपी का मतलब वो अधि और अधि का मतलब वो दूसरों पर निर्भर रहना। ये ऐसे सवाल हो अधिजंतु जो दूसरों के खोल पर, दूसरों के खोल पर पैदा होते हैं, मतलब उग जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे हो, सवाल का मतलब वो काई। अभी फोटो दिखाने वाला हो रहा तुम्हें, सही बात या कैलडोरा नाम है उसका, कैलडोरा, ठीक। तो ये अधिजंतु ना, सुन लो ध्यान लगाएगा, जो अधिजंतु हो ये ना किसी जंतु के खोल पर जम जाएंगे। अधिजंतु कुछ सवाल ऐसे होंगे जो दूसरे जंतु के खोल पर जम जाएंगे। जब खोल पर जम जाएंगे ना, जंतुओं के खोल पर जम जाएंगे, समझ यही बात या। मान लो मोगा जीव जिस चट्टान पर रह रहा, उसके ऊपर अगर काई जम गई पत्थर पर, तो वो तो दूसरे का खोल है ना, उस पर जम गया। लेकिन उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, उस पर खोल पर तो एक पर कोई फर्क ना पड़ा, लेकिन दूसरे को लाभ भी होगा, उसे तो जीवन प्रदान होगा। तो समझ जाओ कौन सा संबंध हो, सहभोजिता। तो जो अधिजंतु है ना, ये भी सहभोजिता संबंध हो। यूपीएससी कैसा सवाल पूछ सकता, कभी भी पूछ सकता, अधिजंतु कौन सा संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, या इसका उदाहरण देकर पूछेगा। समझ आई बात यार, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उसका उदाहरण क्या है। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, इस व्यक्ति को देखो, यहाँ ध्यान से देखो गौर से। ये जो काई है ना, ये सामने काई में खड़ा हुआ है, घेरा काई पर खड़ा हुआ, ये सारी काई है, ये सारी काई है, क्या है ये सब काई है। ये काई पता कहाँ जमी, दूसरे जंतुओं के खोल पर जमी है काई। इसका नाम पता क्या है, इसका नाम बताने जा रहा हूँ तुम्हें, कैलडोपरा, कैलडोपरा नाम है इसका, कैलडोपरा। इस काई का, इसका नाम है कैलडोपरा, समझ बात है। और ये जिस जंतु के जीव पर जमी है, उस जंतु के जीव का नाम भी बताऊंगा तुम्हें। ऐसे ही सवाल पूछ लो, इनके बीच में कौन सा संबंध पाया जाएगा। और तुम्हें लग रहा है ना कि अगर यहाँ एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा और एक को फायदा हो रहा, तो सहभोजिता संबंध है। जब तक सहभोजिता संबंध दिमाग में नहीं जाने का ना, तो मैं उदाहरण बढ़ाता चला जाऊंगा। सही बात है, गूगल पर भी उदाहरण निकाल निकाल के लेकर आ रहा हूँ,
सही बात है कि तुम्हारा एक भी सवाल गलती नो इन फ्यूचरिस्टिक में, और बताऊँ तुम ऐसा कहीं भी नहीं मिलने का तुम, क्योंकि हम किताब से भी उठ के बाहर चला गया। इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी किताब यही है मार्केट में, किसी को बात नहीं ऐसे पढ़ लो, ज़्यादा बड़ा नोट तो वो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे पास टाइम है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कहाँ गूगल गूगल पर जाकर ज़्यादा इस्तेमाल तुम जाने का, मैं गूगल पर भी कुछ छान पीन करके आ लिया। किसी किताब लिखनी हो कहाँ से लिखेगा, सर्च करके गूगल सर्च करेगा, सारा करेगा, ये सब चीज़ डाटा ऐसे बनाएगा, तो पूरी की पूरी किताब हमारा नोट पूरी किताब होगी। तो अधि जंतु ना किसका उदाहरण है, सहभोजिता का उदाहरण है। ठीक है, लिखो अधि जंतु में लिखो, कई प्रकार के शैवाल जानवरों के खोल पर विकसित होते हैं। कई प्रकार के शैवाल, कई प्रकार के शैवाल, कई प्रकार के शैवाल, एक बार वीडियो जरूर देखियो, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा मजबूती ज्यादा पैदा हो जाएगी। कई प्रकार के शैवाल जानवरों के खोल पर विकसित होते हैं, लिख दिया ना, जानवरों के खोल पर विकसित होते हैं। खोलू क्या बोल रहे, सेल, SEHEL सेल, जैसे कैल्डोफोरा, जैसे जैसे कैल्डोफोरा, जैसे कैल्डोफोरा विकसित होते हैं, जैसे क्लेडोफोरा, क्लेडो अधा क्या है, क्लेडोफोरा नामक शैवाल, ये शैवाल का नाम, नामक शैवाल क्लेडोफोरा, जब मैंने तो तस्वीर दिखाई ना जो शैवाल की, यह काई थी एक प्रकार, ये काई का नाम क्लेडोफोरा, और जिस जीव के जंतु के खोल पे जमती है उस जंतु का नाम बता रहा हूं मैं, उसका नाम लिखो, उसका नाम मोलस्का संघ, मोलस्का, मोलस्का संघ, जैसे क्लेडोफोरा नामक शैवाल मोलस्का संघ के, मोलस्का संघ के जीव के खोल पर विकसित होते हैं, मोलस्का संघ के जीव के खोल पर विकसित होते हैं, मोलस्का संघ, इसे क्लिक कर दियो मोलस्का संघ को, ऐसा अकलेडोफोरा इसे भी क्लिक कर देना, पर विकसित होते हैं। जाने नहीं देंगे तुझे, उदासीनता और सहभोजिता के लिए हुआ नहीं हुआ दिक्कत हो कुछ, अब हम समझेंगे म्यूचुअलिज्म क्या हो, सहोपकारिता क्या हो, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता का दूसरा नाम भी तो बताया था मैंने, प्रोटो कोऑपरेशन, ये तो बताया था, इसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं सहोपकारिता को। तो तीसरी हेडिंग बनाओ कॉपी में, अब सहोपकारिता, 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 इसका दूसरा नाम भी है परस्परवाद, परस्परवाद इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म, MUTUALISM म्यूचुअलिज्म, परस्परवाद, सहोपकारिता। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, देखो सहोपकारिता में पहली प्रजाति लाभ, दोनों प्रजाति लाभान्वित होगी नहीं होगी, ठीक लिखो उसमें, सहोपकारिता में लिखो म्यूचुअलिज्म, इस प्रकार के संबंध में दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती है, इस प्रकार के संबंध में दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती है, दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव है नहीं है, दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती है,
कोई दिक्कत समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो दोनों को लाभ होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाए लाइकेन। लाइकेन क्या हो? काई हो एक प्रकार की। अब जो काई हो, ध्यान से सुन लेना, एक हो लाइकेन, एक हो कवक। लाइकेन और जो कवक है ना, इन दोनों के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा, दोनों जीव होंगे, जैसे इंट्रैक्शन होगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान दोनों को फायदा होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब ये भोजन बना के ना, लाइकेन अपना भोजन बनाते हैं, लाइकेन जो अपना भोजन बनाते हैं वे कवक की सहायता से ही बनाते हैं। किसकी सहायता से? और फायदा दोनों को होगा। वही बात यार, कवकों का योगदान हो भोजन बनाने में, लाइकेन का भोजन बनाने में। तुम जब पढ़ोगे ना कि जीव का उत्पत्ति क्या हुई, सबसे पहले लाइकेन ही आया था दुनिया में, आया था कौन, और धीरे 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 लाइकेन की उत्पत्ति हुई थी। जब लाइकेन है ना, एक कवक, इनके बीच में जो संबंध पाया जाएगा, दोनों को बेनिफिट होगा, तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो पाया जाएगा सहोपकारिता का संबंध, परस्परवाद, आपस में दोनों को फिजिकल इंट्रैक्शन होना जरूरी। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो फिजिकली इंट्रैक्शन होना जरूरी, जिसे हम दूसरी भाषा में शारीरिक संबंध भी कहते हैं। शारीरिक संबंध इसे बोलते हैं फिजिकल इंट्रैक्शन, परस्परवाद इसे बोलते हैं सहोपकारिता संबंध। दोनों को आपस में बेनिफिट जरूर होगा। बात समझ में आई हो? लिखो उसके बाद। लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, लाइकेन की और खास बात बताऊं तुम्हें। लाइकेन जो हो, जो हिमनद हो, हिमनद का नाम सुना, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, उनके ऊपर लाइकेन जम जाते हैं। आज सुनो, जहाँ लाइकेन जमेगा ना, वहाँ कवक भी होगा, और उनके बीच में जो संबंध होगा सहोपकारिता संबंध होगा। दूसरा, सूर्य की प्रकाश की प्रकाश नहीं हुआ ना सूर्य का, जम नहीं सकता लाइकेन। लेकिन लाइकेन की समस्या भी है, लाइकेन इमारतों पर भी जम जाते हैं, और लाइकेन इस बात का भी प्रतीक कि वातावरण के अंदर ना प्रदूषण बढ़ रहा, और प्रदूषण इस बात का प्रतीक हो कि प्रदूषण के अंदर बहुत सारे तत्व हो, जैसे SO2 उसमें से एक मुख्य है। अगर SO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही हो ना, वो इसी बात का प्रतीक, SO2 की मात्रा लगातार बढ़ कि लाइकेन जहाँ दिख गया ना, तो समझ जाओ ऑटोमेटिक वहां समझ जाओ वातावरण प्रदूषित हो लिया। आया समझ में? कहीं वहां का वातावरण सही नहीं है, वहां SO2 ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही। समझ में आया बात? ये भी हम सब लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे थोड़ा तमीज से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो तुम सब कुछ सारे संबंध समझा के चले जाओगे। जब भी तुम्हें रिवीजन करना हो, फटाफट आगे करके वीडियो देख लिए, यहाँ तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा और आगे कर लो। सही बात यार, कम टाइम में रिवीजन कर लोगे। चलो अभी क्या लिखे हो तुम? यह अस्थाई और अस्थाई संबंध, यह अस्थाई संबंध है, यह एक प्रकार का शारीरिक संबंध होता है, यह एक प्रकार का शारीरिक संबंध होता है। फिजिकल इंट्रैक्शन होना जरूरी, यह एक प्रकार का शारीरिक संबंध होता है। जैसे लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहां शैवाल और कवक के मध्य अस्थाई संबंध होता है, यहां शैवाल और कवक के मध्य अस्थाई संबंध होता है, यहां शैवाल और कवक के मध्य अस्थाई संबंध होता है। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता किसी को? फंजई, फंगस, फंजई। ठीक, अस्थाई संबंध होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन तैयार करते हैं। लिखो लाइन वो, शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन तैयार करते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन तैयार करते हैं।
ठीक, तो बताओ जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पता क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान शैवाल तो अपना भोजन बनाएगा, शैवाल का मतलब ये लाइकेन, अपना भोजन बनाएगा। जो कवक है ना वो प्रजनन की क्रिया करेगा। अभी क्या लिखा था तुमने पहले ही बताओ। तो इसमें ही बताओ सवाल, ये एक लाइकेन क्या कर रहे, भोजन तैयार, और जो कवक है ना वो प्रजनन करते हैं, तो भी तो अपना बेनिफिट कर रहे, दोनों को बेनिफिट हो रहा। इसी संबंध को क्या बोलो, सहोपकारिता। लिखो जबकि कवक प्रजनन करते हैं, जबकि कवक प्रजनन करते हैं, और पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देना, सर पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देना, रिविजन करने में सर नहीं हो। लाइकेन मुख्यतः सूक्ष्म स्थानों, लाइकेन मुख्यतः सूक्ष्म स्थानों ब्राइटम पत्थर को हिमनद पर पाए जाते हैं। लाइकेन मुख्यतः सूक्ष्म स्थानों ब्राइटम हिमनद तथा पत्थर पर पाए जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अब देखो स्टेटमेंट कैसे गलत निकालते हैं। ए इधर काम की बात है, सुन लो लास्ट तक काम आगे। अगर मैंने स्टेटमेंट बनाया सवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ स्टेटमेंट लिखवाया तुमने कि लाइकेन हमेशा पत्थर पर पाया जाएगा या हिमनद पर पाया जाएगा, मुख्यतः लिखा हुआ वहाँ। हाँ जो कहीं और भी मिल सके। और उसने सवाल बनाया पता क्या है, कुछ शैवाल प्रवाल भित्ति के खोल पर भी पाए जाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग, तुम्हें क्या पता तुमने जाकर देख रखा हुआ या किसी किताब में पढ़ा ही नहीं तुमने, जहां पेपर में या इन्वायरमेंट में ही पूछ लो ना, कुछ शैवाल वहां भी पाए जाते हैं। वो हमेशा सही है, वो होगा ही सही, जब उन्होंने कहा क्यों नहीं पाया जा सकता, कुछ तो कहीं भी पाया जा सको, कुछ सब कुछ तो मिल नहीं सकता, कुछ तो कहीं भी मिल सको। दूसरी बात, हम ऐसा कह सको 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो कमी है होगी, कुछ तो सब में कमी होगी। तो ये कुछ वाला जो सेंटेंस है ना सही है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी सर। ऐसे में तो मैं 50 तरीके बता दूंगा, समझ आई बात। ये फंडा कहाँ सेट होगा, यूपीएससी के पेपर में ही सेट होगा, सोचना ही नहीं। तो सब कुछ कहाँ पढ़ सको, कोई इतनी औकात है बच्चों की पढ़ने की, अब उसकी विपरीत जाकर बियॉन्ड जाकर सोचना पड़ा। अभी मैंने यहाँ क्या करा, पेपर में तो हमने इतना पढ़ लिया कि मुख्यतः यहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने इसका उल्टा बियॉन्ड जाकर सोचा, तो फिर कहीं और भी पाया जा सकता, इसका मतलब तो यही है कहीं और भी। और कहीं और भी का मतलब क्या हो, कुछ भी कहीं भी, कुछ कुछ सवाल कहीं और भी पाया जा सके, ऐसे सोचना पड़ा। और ऐसा स्टेटमेंट है ना, यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए, मैंने कहा कुछ हाथी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, तो क्या दिक्कत है, इतना बड़ा अफ्रीका इतना बड़ा अफ्रीका कहीं भारत ही, भारत में मिलेंगे सारे हाथी दुनिया के आया समझ में। और ये देख कर सोचो, देखो सारे हिरण पढ़ने पड़ेंगे, देखो सारे हाथी पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़ने वो, ये तो चाहो तुम पढ़ो से बैठ कर, और पूरी जिंदगी तुम उसमें उलझे रहो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, अब नहीं छोड़ना है तुमको ना अब नहीं लगने का डर, मैंने बता दो तुम, तो अभी तो मैंने तो समझाना नहीं शुरू करा ना अभी, अब लेकिन मैं सोच रहा मैं जब भी पढ़ाऊँ ना सारे स्टेटमेंट साथ साथ में बता के चलूंगा, सारी ट्रिक है पहले बता दूंगा तुम। ठीक, और जहां तक लिखा हुआ ऐसा हो सकता है, सकता है, सकने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, सकने में क्या दिक्कत है, वो सही है, सकता है, कैन भी लिखा हुआ ना, हो सकता है, हो सकता है, वो होगा ही होगा, सकता है, ऐसा उन्हें ऐसा योजना सरकार सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, तो चाहिए में क्या दिक्कत है, तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस निकल आ रहा, सही है बात, पॉजिटिव ना 100% सही है। जननी सुरक्षा योजना के तहत ऐसा कार्य करना चाहिए, और तुम्हें लग रहा है ना पढ़ने के बाद बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, योजना में गलत देने का ही नहीं फिर वो। अगर तुम्हें ना ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो जान पूछ कर दिया, हो सकता है इसलिए नहीं हो सकता है दिया हो, एक्सट्रीम सेंटेंस गलत हो,
क्या यूपीएससी, लेकिन लगेगा हमेशा यूपीएससी के पेपर में टेस्ट सीरीज बन ले, मैंने कहा कोई से सवाल जाकर लगा लियो आज के बाद जाकर, ध्यान लिखा हुआ नहीं हो सकता है, वो स्टेटमेंट ही गलत है, चाहे सो आज घर जाकर सवाल लगाओगे ना और ढूंढना से सवाल जिसमें लिखा हुआ नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे सेंटेंस कम से कम 2022 के पेपर 20 सेंटेंस थे, इस पेपर में भी कम से कम 20 सेंटेंस होंगे ऐसे जिसमें लिखा हुआ नहीं हो सकता है, गलत हो पढ़ना ही नहीं सो छेड़ना ही नहीं सो वो देगा ही गलत। पहले क्यों नहीं बताया आप, तो अभी बहुत खुशी करना तुम, समझ नहीं बात यार, ठीक इंदारी क्या बताया मैंने, चलो अभी बताइए उस तो पहले क्या बताया, उसकी वो सही है, सही बात ये हो सकता है सही है, और नहीं हो सकता है नहीं दिख गया ना कोई नहीं होगा ऐसा नहीं, तो उसे बहुत नफरत है, वो मैं भी ध्यान नहीं देगा क्योंकि सभी पढ़कर जाओ हाँ ऐसा होता है, और जब होता है तो यही पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ा जाता नहीं होता है, बच्चा तो सही मानने लगा, सही नहीं माना गलत हो ऑलवेज रॉन्ग। अभी क्या लिखा तुमने, लिख देना यहां तक, अब लिखो लाइक एन, इसमें लिखना लाइक एन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, यहां प्रदूषण लिखा उसके ब्रैकेट में लिख दिया एसओ टू, लाइक एन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, लाइक एन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, तो लाइक एन ना बेस्ट इंडिकेटर होते हैं किसके, पोल्यूशन के, और कौन सा पोल्यूशन, एसओ टू पोल्यूशन बेस्ट इंडिकेटर होते हैं लाइक एन, याद रहेगी बात क्या। अब लाइक एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही बात है, और उपयोग सही बात है यूपीएससी का फेवरेट चीज हो, एक उपयोग होगा और उपयोग के साथ साथ समझ आई बात क्या, उपयोग कारण नहीं उपयोग, जब प्रिय पूछा तो उपयोग ही पूछेगा, कारण पूछेगा मेंस में, मेंस नहीं पढ़ रहे हैं पीरी का पढ़ रहे हो, पीरी में हाँ मांगा सारा का सारा, अब मुद्दों तक का मांगा, जब हम सारा पढ़ लेंगे कहीं तो पूछेगा भी, यानी वो घूम जब हम सारी सारी थ्योरी पढ़ लेंगे सारे सिद्धांत पढ़ लिया हमने, यानी वो क्वेश्चन बना का ना तो हमें कन्फ्यूज करने खातर बनागा, जब तुम इसे 5 बार 4 बार पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग कहीं और पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा जहां तक उसका पहुंच जाएगा, समझ गए, ऐसा करके उदाहरण बनागा, समझ में आया बात क्या, तो जहां तक भी बनागा और तुम सहेल लोगे पक्की बात है कि इस वाली यूनिट का सवाल है, वो है इस मत सवाल, वो जहां जा सके, और इतना मैं भी कह रहा हूं सब कुछ नहीं पढ़ना, हमेशा दूसरों से ज्यादा पढ़ना, समझ गए, सब कुछ नहीं पढ़ने का, मुझे तो बहुत आसान पेपर लगा, मुझे लगा नहीं कुछ पेपर था डिफिकल्ट बनाना चाहिए था, और मेरिट पता कहाँ जाएगी, कम से कम और डाउन चली जाएगी मेरिट, कम से कम 70 हो सकता 70 तो नीचे उतर जा, 65 पाने चली जाए एस सी की मेरिट बता रहा हूँ तुम्हें, 74 के आसपास मेरिट थी एस सी बता रहा हूँ मेरिट, 74 का मतलब 37 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कोई तुक्के मार के चला गया ना कटफट का 37 क्वेश्चन सही होगा नंबर, इतना कम नंबर है एस सी वालों का, और ओबीसी वालों का भी ज़्यादा नहीं है 87-88, जनरल वालों का 87-88 के आसपास, 50 क्वेश्चन भी नहीं करने देते, 50 क्वेश्चन वो क्या हुआ ना जा जान पूछ का तू आ रहा तेरे में कितनी हिम्मत है, तू हर साल आ देखो कितना बड़ा दुलंदर है तू कितना बड़ा पढ़ने वाला तू आ, इसलिए कहा तू मेंस तैयार करो, जिस दिन मेंस तैयार होगा कॉन्फिडेंस पैदा होगा, मैंने पेपर इसलिए छोड़ दिया, ऑप्शनल इतना नहीं है इतना, एक तो मूर्खता कि मैं उसमें बैठ जाऊँ पेपर में और फिर निकाल कर ढोल बजाते फिर तू आया था, फिर एक साल और धक्के खाऊंगा फिर पीछे जाकर, और दूसरी सबसे बड़ी सुंदरता यह होगी कि मैं चुपचाप बैठ कर पहले ऑप्शनल पढ़ूँ और उससे रट लूँ पूरा का पूरा, उस पर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लूँ, और दूसरा तमीज से पेपर देने जाऊँ, अगर तुम्हें किसी को पेपर देते वक्त कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा ना देना ही नहीं पेपर, या तुम्हारे पास 50 अटैम्प्ट है कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा सब कुछ तैयार नहीं है मत जाओ पेपर देने छोड़ दो पेपर,
हाँ तुम कह रहे कि यार किसी भी टेस्ट को लगा लो तुम 100-150 के आसपास जा रहा है, किसी भी टेस्ट को कहीं से भी ले आओ जाकर, जाओ पेपर दे लो, कोई मना थोड़ा ही कर रहा। समझ आई बात है? अगर तुम पढ़ने के बाद पेपर नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब कुछ तुम मिस कर रहे, ऐसी कोई चीज है जो तुम्हारे पास नहीं, किसी और के पास है वो कर पा रहा। देखिए पहले पूरा तो पढ़ो, पूरा तो पढ़ो। अब तुम्हें पता नहीं सब सोप कर दे पढ़े थे तुमने, और तुम्हें क्या पता क्या पढ़ाने वाला मैं जी तब आए है नहीं, बस मुंह माना स्टार्ट कर दिया, पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है पढ़ने, मुझे और कुछ काम नहीं पढ़ने के अलावा। और पढ़ने क्यों कह रहा है, जिसके बच्चे के पास टाइम है और वो पढ़ रहा है, दुनिया में सबसे बेस्ट काम कर रहा हो। सही बात है, मैं भी कह रहा, खरगोश नहीं चाहिए ना, ना कछुआ चाहिए, कीड़ी चाहिए, कीड़ी कीड़ी चलना डेली लेकिन कंटिन्यू चलना, रुकना नहीं बिल्कुल। सही, जहां भी जा किताब लेके जा, बस मस्ती तो त्यागनी पड़ा। अभी क्या लिखा तुमने? अब इनका उपयोग देखो कहां हूं, लिखो इनका उपयोग, नोट NOT नोट लाइक इनका, इनका उपयोग, इनका उपयोग। क्या तुमने क्रीम पाउडर बनाएगा? क्रीम पाउडर बनाने में, सौंदर्य फेस पैक, फेस वॉश बनाने में। अब UPSC ने पूछ लिया कि इस फलानी चीजें लाई के इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, 4-5 ऑप्शन देकर चले गए। यार मुझे एक बात बताओ, उसने मैं कह रहा सौंदर्य के बनाने में हो, और वहां उन्होंने लिखा फेस पैक बनाने में, फेस वॉश बनाने में, सही बात है, साबुन बनाने में, इशारे में सौंदर्य तो कर। कितनी बार बताया UPSC में अगर इन्वायरमेंट में किसी चीज का यूज पूछा ना, सारे सही है। सौंदर्य का मतलब तो बहुत चीज हो सकता है, सुंदर क्या नहीं बनाता इंसान को, हर चीज सुंदर बनाओ। अरे बैठ को ढूंढ रहा है, बैठ को गूगल पर जाकर सर्च कर रहा है, पता नहीं कहाँ मिलेगा ये, पता नहीं कहाँ मिलेगा, दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख तो वही है। अब मूलभूत चीज पढ़ ली तुमने, इन्वायरमेंट में किसी चीज का पूछेगा ना, सारे सही है। बहुत ही रेयर केस होगा कोई गलती पूछेगा, सारे सही पूछेगा। तो लाइक इनका उपयोग, उसने कहा सौंदर्य है, सौंदर्य का मतलब ऐसी कितनी चीजें जो इंसान को सुंदर बनाती है, उनमें सब में लाइक इनका यूज होगा। लिटमस पेपर का नाम सुना तुमने, उसमें भी यूज का होगा। समझ बात यार, तो बहुत जगह लाइकेन को बनाने में यूज कर रहे हैं, और लाइकेन की दवाई बनानी स्टार्ट कर दी, लाइकेन की दवाई बनानी स्टार्ट कर दी, और हो सकता है लाइकेन का भविष्य में कुछ और बनाना स्टार्ट कर दे। मैंने तो सुना था लाइकेन तो बिजली बना रहे, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट आ रहे थे, तो कुछ से कुछ बिजली बना के उसमें डालकर, उसमें डालकर तो यूज पूछा गा, यूज पूछा। मैं भी कह रहा हूँ UPSC में यूज आ रहे, छोट चक्कर में नहीं पढ़ो, आंख मीच कर मुझे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हट सौ रोप लगाओ, पता लगा 4-5 टाके मैंने आज बताई तुम, ये इन्वायरमेंट की सारी टाके दिखाएं कला कर रही है। समझ में आया बात है? तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा 7 साल बता के चलूंगा मैं। समझ में आया बात है? अब थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर लियो, देख क्या नहीं क्वेश्चन सारे चला यार, तो ये तो बढ़िया, इससे बढ़िया क्या था यार, इससे तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं आता साला। ये इतना पढ़ने के बाद जब ज्यादा पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन पर रिसर्च कर लो, अपना ही पता खुद ये पूछ क्या रहा, ये मतलब मुझे नहीं पता होगा ना साला, किसी को भी नहीं पता हो, जिसको कुछ ना कुछ छुपाया होगा इसने इसमें। समझ बात क्या? अब उस पढ़ा तो उनने भी होगा कि सौंदर्य में यूज होगा, उस सौंदर्य के पीछे बैकग्राउंड में चला जाएगा, और जहाँ जाते सौंदर्य हो, और तो बच्चा क्या करेगा, अपना दिमाग क्रीम पाउडर में लगाएगा वहाँ बैठ कर। समझ आई बात क्या? यह दिक्कत है, समझ गए ना? लिखो इसका उपयोग चारे, चारा जानते हो, इसका उपयोग चारे, अरे चारा नहीं जानते क्या जो डंगरों खिलाया जा, इसका उपयोग चारे, कोमा औषधियों, कोमा औषधियों, अब औषधि लिखा उसने, दुनिया में कितने प्रकार की औषधि, किसी औषधि का नाम देकर अटू पूछ लिया, बस तुम्हें इतना तो पता ही औषधि में हो, तो भले तुम्हें औषधि का नाम नहीं पता लेकिन उन्होंने औषधि भी लिख रखा है। आया समझ में? कोई पैरासीटामोल औषधि, ऐसा कहें पैरासीटामोल औषधि में होता है। अब तुम्हें क्या पता कितनी सारी औषधियों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो याद कर लगा, इतना तो पता ही औषधि में हो तो सही है, खेल खत्म, क्यों चक्कर पड़ना, जान पूछ कन्फ्यूज करने खतर दिया। समझे? औषधि कोमा सौंदर्य, सौंदर्य कोमा लिटमस कागज आदि के रूप में होता है। ये आदि बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं कह रहा सब ये आदि तुम्हें बहुत कुछ बता रहा।
तो जहां दोनों को लाभ होगा कौन सा संबंध? और जहां सभी प्रकार के जीवों के बीच में संबंध पाया जाए कौन सा संबंध बोल लो? सबसे शुरू में लिखवा था सहजीविता संबंध। आप खोलो देखो, देख लो कॉपी में खोलो, सबसे शुरू में वही लिखवा था, नोट में लिखवा था सहजीविता, साथ रहना। लिखवाया था, अब कर रहे हूं देखा। जब तुम अभी भूल गए तो घर जा क्यों नहीं भूल लोगे? और उदाहरण लिखो। अच्छा, जो सहजीविता संबंध होगा वो सोपकारिता होगा, कब होगा? जब दोनों को लाभ ही लाभ होगा। लिखो एक और उदाहरण लिखो, लिखो कुछ दीमक का, कुछ दीमक क्या बोलो? दीमक को टर्मिटीज, TERMITS, कुछ दीमक जो लकड़ी में लग जाती है दीमक, कुछ दीमक का प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पढ़ा प्रोटोजोआ, साइंस से पढ़ोगे बायोलॉजी में, प्रोटोजोआ कुछ दीमक का प्रोटोजोआ संघ के साथ सहजीवी संबंध होता है। अब जो प्रोटोजोआ ना वो दीमक की आंत में रहो, दीमक जो हो ना उसकी आंत के भीतर रहो, जो प्रोटोजोआ हो कहाँ रहो? अंदर। अगर ऐसा यूपीएससी ने सवाल देके पूछ लिया ऐसी तैसी हो जाओ कि प्रोटोजोआ जो हो दीमक की आंत के भीतर रहता तो इसमें कौन सा संबंध होगा? अब दोनों के शारीरिक संबंध तो है, और जहाँ शारीरिक संबंध हो सोपकारिता नहीं होगा, ऐसे भी तो सोच का जा सका, तो जरूरी है तुम्हें सब कुछ पता होगा, बस लेकिन तुम्हें दिमाग चलाने का तरीका पता होना चाहिए। समझ गए? देखो प्रोटोजोआ दिमाग की आंत के भीतर रहता है, आंत आंख क्या आंख नींद चढ़ रही तुझे, आंख के भीतर चलेंगे यूपीएससी की तैयारी करने, मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन। शोर मचा रखा है पूरे गांव में, हम तैयारी कर रहे हैं। अगली बार कोई पूछेगा तो तैयारी कर रहे हैं, नहीं छोड़ दी मैंने, बस की बात नहीं है बताने नहीं किसी को, तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? बस वैसे ही बैठ तमाशी डिस्कस चलम उत्तराखंड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक बताओ, बताना जरूरी किसी को, खपाना सीखो चीजों को, नहीं खपाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ आई बात यार? अब शोर मचा रखा है यूपीएससी, उसे बता रहे बैठे पड़ोसे कर लू बैठा कहा देखिए यूपीएससी का सिलेबस। अच्छा जी तो सोप करते समझ में आया? एक चीज और समझाना चाहता हूँ, कल को सारा सुनूंगा हो, जितने भी संबंध पढ़ाए गए तुम अच्छी तरह कर करना, इसका रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं, सुन लो ध्यान से। इधर देखो
कि पेट पर कबूक बनाना आगा। अरे यार बैग गया अभी, सबके साथ ही होगी। जोड़ों का तो खेल है तू, ये समझाने वाला मैं। यूनिक बैक्टीरिया क्या है वो? बैक्टीरिया, इसका नाम है राइजोबियम। ध्यान तो सुनना, राइजोबियम है। और ये पता किसका पौधा? दाल का, दाल, दाल का पेड़। इसकी जड़ों में से निकलना मीथेन, समझ बात यार। गेहूँ जैसे हो, धान, धान के खेत, धान की जो जड़ें उसमें तो निकलना। तो राइजोबियम जो हो ना, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया पता क्या करेगा? वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, खींच लगा उसको। कोई भी कितने पेड़ पौधे हो, सबको ना नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का काम पेड़ पौधों की वृद्धि करना हो। और नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। कभी कभी जब नाइट्रोजन नहीं मिलती तो हम पता क्या करते हैं, बाहर तो उसमें उर्वरक डालते हैं। और उर्वरक मर्वरक में क्या हो, एनपीके तो हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, पोटेशियम जिसे बोलते हैं, यही तो। तो अगर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वायुमंडल तक खींच के जो राइजोबियम है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया राइजोबियम, इसकी दाल, जो दाल, दाल के पौधे हो उसकी जड़ों में फिक्स कर देगा, उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देगा, स्थिरीकरण कर देगा, स्थिर कर देगा। और फिर इस पौधे के अंदर, दाल के पौधे के अंदर ग्रोथ हो जाएगी। कितना मस्त काम कर रहा, संबंध तो है इस पौधे के राइजोबियम के बीच में, कुछ संबंध है ना यार, फायदा तो हो रहा है। नाइट्रोजन की वजह से जिंदा रह रहा, और इसकी वजह से पौधा जिंदा रह रहा, और फायदा दोनों को हो रहा। और दोनों को जब फायदा हो ना, तो संबंध कौन सा हो? और ये यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो मैंने यहाँ समझाया ना, ड्रामा हो चौंचलेबाजी, इसे पेपर में पूछ लिया ना, उदाहरण देगा और थारी टाइम टाइम फीस। अब सवाल कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, उदाहरण देगा, दाल के पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए, दाल का पौधा उसकी जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को स्थिर करता है, निम्नलिखित में से है कौन सा संबंध है? उदासीन सहभोजिता सहोपकारिता, यही सोच रहे बैठ, प्लस प्लस। अब सोचना पड़ा दिमाग जो डालना यार, संबंध तो बढ़िया, दोनों को फायदा हो रहा है। फिर अगर निम्नलिखित का हो, जिससे दाल के पौधे में वृद्धि हो जाती है, तो मतलब वृद्धि हो रही, ऐसे देख, हिंट खुद देकर जाओ, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि भी होगी यार, और नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रहा है, इसे भोजन भी मिल रहा, दो जीवों के बीच में संबंध भी होगा, एक जीव होगा एक जीव होगा, आया समझ में भाई? तो ये दोनों दोनों जीवों के बीच में संबंध भी होगा, इसका मतलब यार एक प्रकार का दोनों को फायदा हो रहा है, एक प्रकार का सहोपकारिता संबंध होगा, समझे? ठीक। और यूपीएससी जो सवाल बनाओ ना, अधिकांश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बातें यहीं पर बना रहा हो, और यहाँ तो गया ना, अगर दोनों को फायदा हुआ ना, तो सहोपकारिता संबंध है। और सहोपकारिता संबंध को हम परस्परवाद कहते हैं, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म परस्परवाद। तो इसके बीच में जो संबंध पर राइजोबियम जो बैक्टीरिया राइजोबियम के और इस दाल के पौधे के बीच में जो संबंध पाया जा रहा है ना, उसका जो संबंध है उसे हम क्या कहते हैं, परस्परवाद। उसे ही हम पता क्या, परस्परवाद की जगह दूसरा नाम है सहोपकारिता। यूपीएससी में सवाल आ रखे बहुत सारे, आज एक एक सवाल घर जाकर करना, तभी इससे समझ में आई बात। भाषा भाई है बिल्कुल, जो मैं यहाँ जो सवाल आ रखे ना, मैं वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, और उसी लैंग्वेज में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया बात? ये दोबारा मौका नहीं मिल पाने का तुम्हें, इतनी बात होता समझ में नहीं आई, कितने उदाहरण होंगे भी, कहाँ तक लिखा तुमने, क्या लिखा भी, कितने एग्जांपल हो गए इसके सहोपकारिता के? एग्जांपल नंबर 3 में सिर्फ ये वाला डायग्राम बना लो, लिख यूट्यूब से लिए, ये वाला डायग्राम बना लो, थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा। डायग्राम को बना लो, अच्छा सा बना लीजिए। फिर एक बात बोल रहे, पेपर हार्ड आया था पढ़ा होगा ना, अब मैंने तो पढ़ रखा है सब चीजें, तो मुझे आसान लगा, भारी लगा हो। अब मैंने क्या बोला, मैंने एक बार हार्ड हार्ड बोला, पढ़ पीपीटी पढ़ रखा ना, पीपीटी तो पीपीटी वाला याद दौड़े रहा।
तो स्टूडेंट और टीचर में धरती आसमान का अंतर हो, स्टूडेंट जो कर रहा है वो टीचर कभी नहीं कर सकता, समझ गए? वो पढ़ाने के बाद ना एक पीपीटी पढ़ाए दायित्व मुक्त हो जाएगा, तो खुद नहीं करनी तैयार हुआ, इतना सारा मैं कितना सारा पढ़ा दूं, खपाने की क्षमता भी तो हो। अधिपादक उसके बाद सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, अगली हेडिंग हमारी पता कौन सी, अगली हेडिंग का नाम हमारा ही जंतु प्रकीर्ण। अभी हम इसके उदाहरण पढ़ रहे हैं सोपकारिता के, अगली हेडिंग पशुरति जुपिली पशु रति, हाँ जुपिली जूफिली जुल्फिली है। एक बात बताओ, कोई पेड़ पेड़ पौधा होगा उसके ऊपर मधुमक्खी आई बैठी, बैठने के बाद उसके अंदर तो उसका जो रस होगा उस तो उससे शहद बना हुआ जाएगा, मधुमक्खी का फायदा होगा। अब वो मधुमक्खी क्या करेगी, इस पेड़ पर से जाकर दूसरे पेड़ पर बैठी जाएगा, एक ही पेड़ पर थोड़ा बैठेगी फिक्स उसको, दूसरे पेड़ पर भी जाकर बैठेगी, भवरा भवरा भी ऐसे ही है, तो भवरा भी क्या करेगा उस पर एक पेड़ पर तो उठाएगा बैठ उठाकर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाएगा। मान लो सरसों के खेत में आई तो पौधे का जो अंकुरण होगा उसके बीज होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गिर देंगे, नहीं गिर देंगे तो वह पौधा फिर वहाँ भी उगेगा, आया समझ में? जो पौधा वहाँ भी उगेगा इससे फायदा कैसे हुआ, पौधे की प्रजाति को फायदा नहीं होगा, अब मधुमक्खी को फायदा होगा और दोनों को फायदा होगा, इसमें तो यार आया समझ में? जो दोनों को फायदा होगा तो कौन सा संबंध होगा, तो जो पशुरति का मतलब यही तो। अच्छा कुछ जानवर ऐसे भी हो कि बीज को उठा के यहाँ से लेके जाएंगे, पौधे को खाएंगे और आधा तो खाया आधा आधा कहीं और जाकर फेंक देंगे और सब बीज होंगे, पौधे की प्रजाति को फायदा होगा, पौधा वहाँ भी उग जाएगा, इसे तो बोलते हैं पशुरति। क्या बोलते हैं? लिखो सभी लिखो, अनेक प्रकार के जानवर जानवर परागण, परागण को बोलते पोलिनेशन, POLLINATION, पोलिनेशन, जानवर परागण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अनेक प्रकार के जानवर परागण की क्रिया में शामिल होते हैं, अनेक प्रकार के जानवर परागण की क्रिया में शामिल होते हैं, अनेक कीट जैसे मधुमक्खी, कोमल चूहा, कोमल तितली, मधुमक्खी कोमल चूहा, कोमल तितली, कोमल पक्षी आदि फूलों के परागण की क्रिया में शामिल होते हैं, आदि फूलों के परागण की क्रिया में शामिल होते हैं। बताओ जो पशुरति हो वो किसका उदाहरण है, पशुरति कितने उदाहरण होंगे, तीन या चार? एक और उदाहरण लिखो उसका, जंतु प्रकीर्णन, जंतु प्रकीर्णन, जंतु प्रकीर्णन। बस एक बात याद रखियो, आज के बाद इस संबंध वाले टॉपिक से कभी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, कभी कोई सवाल आया ना तो उसमें पूरा दम लगा देना कि यही गलत नहीं करना चाहे कुछ होगा, इतना रिविजन करके रखना इसका, सही बात, चार पांच बार पढ़ लोगे ना तो फिर दिमाग खुद चलना स्टार्ट हो जाए। जंतु प्रकीर्णन लिख दिया, अगर पौधे हो कुछ जानवर ऐसे हो, मैंने थोड़े बताया था तुम जंतु प्रकीर्णन, कुछ चीज वर्ड से भी निकाल ले करो, प्रकीर्णन का मतलब क्या, फैलना प्रसार करना, कुछ जानवर पौधे के पास आए उसे खाया दूसरे स्थान पर ले गए, पौधा फिर मांगना स्टार्ट होगा, ऐसे समझ में? दूसरे स्थान पौधे को फायदा होगा, पौधे की तो प्रजाति बढ़ रही, और दूसरा उसे जो खाया किसी ने जानवर ने खाया उसे भी फायदा होगा, तो दोनों को फायदा हुआ नहीं हुआ,
इसका मतलब ये हो इनके बीच में संबंध पाया जाएगा, परस्पर वाद होगा, म्यूचुअलिज्म, उसे हम सहकारिता बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो लिखो। ऐसे सवाल देते यूपीएससी पता क्या करेगा, वो देगा तू करे एक हिरण, ऐसे सवाल, हिरण ना एक पौधे को खाता, पौधे को खाने के बाद ना कुछ दूरी पर चलता और उसको कहीं और फेंक देता पौधे को, सही बात है, और उसके बीज वहीं उग जाते हैं। अब बताओ दोनों के बीच में कौन सा संबंध, फायदा दो अभी तो बता रहे कि जब वहां तक पहुंचेंगे सब सब गायब हो, तो प्रैक्टिस करने तो याद रहेगा हो, अभी तो मामला ताजा ताजा, जब लोहा गर्म हो तो जहां को मोड़ दो वहीं को चला गाओ। लिखो, इसे जूग्राफी बोलते हैं, जंतु प्रकरण जी जेड डबल ओ जेड डबल ओ सी एच ओ आर वाई सी एच ओ आर वाई ज्योग्राफी, इसमें पीस आइलैंड था, अरे पीस आइलैंड था। लिखो, अनेक जानवर बीजों के प्रसार की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अनेक जानवर बीजों के प्रसार की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अनेक जानवर बीजों के प्रसार की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। फिर भोजन की तलाश में पौधे के पास पहुंचते हैं, भोजन की तलाश में पौधे के पास पहुंचते हैं, बेटे 3-4 साल तक भी सर्विस काम आएगा, मैं चले जाऊंगा अगले साल, अरे अगले ये तुम्हें 3-4 साल तक भी सर्विस काम आएगा, इसे देख टेक का पड़ोगे तुम, इतना ही वीडियो निकाल लेना काम आएगा तुम। बीजों के प्रकार लिख दिया, प्रसार की प्रक्रिया में भोजन की तलाश में पौधे के पास पहुंचते हैं, वहां से वे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। यह संबंध सहोपकारिता है, यह संबंध भी सहोपकारिता है, सहोपकारिता ब्रैकेट में परस्परवाद म्यूचुअलिज्म, यह संबंध भी सहोपकारिता है। अब मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, अब मैं और उदाहरण नहीं दिखवा रहा, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं तुम्हें, कभी भी कुछ ही पूछ रहा ना, इसकी जड़ों में ही पाया जाता है, सही बात है, तो जड़ों में पाया जाएगा, अकेले को तो फायदा होने का नहीं, दोनों को फायदा होगा, कुछ मिलना ना किसी की जड़ों में, तो सहोपकारिता परस्परवाद म्यूचुअलिज्म, झंझट खत्म, समझ गए, बात समझ आई ना, यह बात यूट्यूब से देख कर लिख लियो अपने नोट्स में, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा। एक संबंध है असहभोजिता, जब हमने सहभोजिता पढ़ा था, सहभोजिता में क्या हो पहले तो बताओ, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बोला यहाँ पता क्या है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, सही बात है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, सही बात है। जैसे मेरी शादी होगी, शादी होने के बाद मेरी वाइफ वो बेचारी यहाँ घंटों घंटों इंतजार कर रही, दो दो साल तीन तीन साल और मैं घूम रहा आत्मा की तरह, सही बात है, ठीक, नुकसान किसे हो रहा है भाभी जी, और फायदा किसे हो रहा है, फर्क किसे नहीं पड़ रहा, तो कौन सा संबंध है, ऐसा है बहुत ज्यादा, ऐसा हो बहुत ज्यादा घर में, ऐसा तो कभी कभी मम्मी पापा के साथ हो जा, मतलब माता पिता बेचारी बढ़िया कर कर हो रही और पापा मजे मस्ती मारती फिर रहे, हो नहीं ऐसा कभी कभी, तो कौन सा संबंध है, ऐसा है बहुत ज्यादा, इसे नॉन म्यूचुअलिज्म बोल लेंगे, नॉन कम्युनलिज्म लिखवाया था मैंने पहले तुम साथ जी, हाँ बता दे, बात समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक, लिखो असहभोजिता, हेडिंग बनाओ असहभोजिता, असहभोजिता, इसके बाद ना तीन को पढ़ने के बाद हम इस वाले पे चले गए, इन पर आ रहे भी परजीविता पे भी, लिखो इस प्रकार के संबंध में एक जीव को हानि होती है जबकि दूसरा जीव अप्रभावित रहता है,
ठीक, तो जो असहभोजिता हो ना जब भी पौधे में होगा तब तो उसे बोल लेंगे एलिलोपैथी, एलिलोपैथी। अगर ये पौधे में होगा, और जो जंतु में होगा ना तब इसे बोल देंगे एंटीबायोटिस, एंटीबायोटिस। दोबारा फिर समझ लो, अगर यो संबंध पाया जाएगा पौधे में, ये जो संबंध है पौधे में पाया जाएगा असहभोजिता वाला जो संबंध है इसे एलिलोपैथी बोल लेंगे। अगर जब यही संबंध पता कहाँ पाया जाएगा जंतुओं में, तो इसे एंटीबायोसिस बोल लेंगे, प्रतिजीविता। देखो जब यह संबंध एक लाइन इसे काटो, एक लाइन पहले लिखो, यह हानिकारक प्रभाव, यह हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव दोष में नुकसान नहीं हो रहा इसमें, यह हानिकारक प्रभाव अन्योन्य रसायन कोई केमिकल होगा, अन्योन्य रसायन की वजह से होता है। अन्योन्य रसायन की वजह से होता है, लिख दिया। यह अन्योन्य रसायन की वजह से होता है, लिख दिया ना। जब यह पौधे में होता है तो इसे एलिलोपैथी, ए डबल एल ई एल ओ, एलिलोपैथी, PATHY हिंदी में नाम लिखते तो ये लिखोगे, एलिलोपैथी लिख दिया। तथा जंतुओं में एंटीबायोसिस, जो एंटीबायोटिस प्रतिजीविता, तथा जंतुओं में एंटीबायोसिस यानी प्रतिजीविता कहलाता। कोई दिक्कत? अब हम चलने वाले पता किस पर? परजीविता पर। हड़े मनो परजीविता, हड़े मनो परजीविता। इसमें क्या होगा, एक जीव को तो लाभ होगा किसी भी इकोसिस्टम में, और दूसरे जीव को क्या हो जाएगी, हानि होगी। जब किसी इकोसिस्टम में दो जीव आपस में क्रिया कर रहे होंगे ना, तो क्रिया करने के दौरान अन्योन्य क्रिया कर रहे होंगे, उसके दौरान क्या होगा, एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे जीव को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरह का जो संबंध हो क्या कहलाएगा, परजीविता, परजीविता। अरे इसे क्या बोलते हैं, पैरासिज्म, 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 बिफेर भाई क्या नो, पैरासिज्म, परजीविता। याद रहा ये बात, है ठीक, पता लग चुका। इसमें क्या होगा, इस प्रकार का जो संबंध होगा उसमें एक जीव को तो लाभ होगा तथा तो दूसरे को हानि होती है। लिखो, इस प्रकार के संबंध में एक जीव को तो लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। अच्छा, जिसे लाभ होगा ना, जिसे लाभ होगा उसे बोलते हैं परजीवी। पर ध्यान तो सुन लो, जिसे लाभ होगा उसे तो परजीवी बोल लेंगे, और जिसे हानि होगी ना उसे बोलेंगे पोषण, पोषण, होस्ट, होस्ट। ये क्या है, परजीवी, परजीवी बोलते हैं पैरासाइट, पैरासाइट। जिसे हानि होगी, जिसे लाभ होगा तो क्या बोलेंगे, परजीवी, और जिसे नुकसान होगा पोषण, पोषण नहीं पोषक, सॉरी पोषक, पोषक, होस्ट। बात समझ में आई है, एक जीव को लाभ होगा, लाभ होगा तो क्या बोल रहे, जिसे नुकसान होगा, लिखो लिखो। इसमें लाभ होने वाले जीव
लाभ होने वाले जीव को परजीवी, पैरासाइट इंग्लिश में लिख लियो, पैरासाइट PARASITE, पैरासाइट, एवं हानि उठाने वाले जीव को पोषक कहते हैं। कोई दिक्कत? एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, तो क्या क्या लगाओ? परजीवी, परजीविता, परजीविता। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? अब हम इसके उदाहरण पढ़ने वाले, बड़े खतरनाक उदाहरण है इसके, लेकिन खत्म हो रहा हो, उसके बाद परभक्षण और उस पर धारा जाएगा बस, और इस संबंध खत्म। फिर कल को हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले इस यूनिट का, जो पर्यावरण परिस्थिति की यूनिट है, उसका लास्ट टॉपिक होगा वो परिस्थिति की अनुक्रमण, ठीक है, जो इकोलॉजिकल एडॉप्शन है ना, वो पढ़ेंगे हम, उसे फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और फिर इससे अगर यहाँ तक तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे, इसके बाहर तुम कभी कोई इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी वीडियो एनफ होगी, समझ में आया बात है। और मैं जाना चाहूँगा तो उसके बाद भी एक क्लास और ले लूँगा, उस क्लास का नाम होगा, इसमें जितनी भी जो परिभाषाएं मुझे लगा इन फ्यूचर आ सके, जैसे अपघटक क्या हो, सही बात है, तो खास खास जो परिभाषाएं मैं डाल दूंगा, 20-30 परिभाषाएं और पढ़ा दूंगा, समझ बात है, ताकि इन फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने नोट्स तो बाहर नहीं झांकना पड़े बिल्कुल, उसे कई बार पढ़ो, नोट्स और वीडियो के बाहर तुम्हें कहीं नहीं झांकना पड़ा, एक रुपया ना खर्च करना पड़े किसी किताब का भी, समझ में आया, उससे तुम्हारा काम हो जा। लिखो जैसे उदाहरण, लिखो अनेक कवक, अनेक कवक अनेक कवक जैसे माइकोकेट्रियम, माइकोकेट्रियम, देखो माइको केट्रियम, ये कवक के नाम ऐसे ही हो, लिख लिया, VBO, 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 बताऊंगा इनका नाम याद करने का तरीका, घबराने की जरूरत नहीं है, VBO, ठीक, एक बहुत अच्छी बात है, VBO लिख लिया। एक और नाम लिख लो कवक का, पक्सीनिया, पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या होगा ना, छोड़ दिया, पेपर आ रहा ना अगले साल, अब चक्कर नहीं पड़ना। ठीक, ये क्या कवक के नाम है, लिख लिया, तथा विषाणु, ये तो कवक थे, तथा विषाणु, अच्छा एक बात बताओ, विषाणु किसे कहते हैं, कोरोना वायरस था, शरीर में गया हमारे, वो नुकसान ना हुआ, उसे हुआ, उसे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो बताओ फायदा, कोरोना फायदा हुआ, नुकसान फायदा किसे हुआ, नुकसान किसे हुआ, एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान, क्या बोल लेंगे, परजीविता संबंध, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, तो परभक्षण में क्या अंतर, फिर दोनों सेम सेम नहीं है अंतर, इसमें सिर्फ नुकसान होगा,
इसमें परजीविता में नुकसान हुआ, इसमें मरी जाओ तो नुकसान, तो नुकसान। अब बकरी है, बकरी और शेर है, उसके बीच में शेर, शेर ने बकरी को खा नहीं लिया, जिंदी तो नहीं बची, इसका मतलब वो क्या परभक्षण नहीं है। अब बात समझ में आया परभक्षण क्या हो कि सर? अभी मैं परजीविता पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कोरोना की, कोरोना का अपना उदाहरण दिया था। अगर मैं बच गया ना, बच गया तो मैं परजीविता बनाऊंगा, अगर कोरोना ने मुझे पी गया ना कोरोना, तो मैं परभक्षण बनाऊंगा। बात समझ में आई है? दिक्कत कुछ, जितने भी हार्ड हार्ड नाम दिए जाना तुम्हें, जो तुम पर नहीं पढ़े जा रहे, सारे कवक क्या है समझ में? और जो कवक और जो विषाणु हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी तुम्हें फायदा ही करेंगे, कभी कभी तुम्हें फायदा करेंगे, नुकसान करेगा ही करेगा। अगर फायदा नहीं करने का इसका मतलब वो सहोपकारिता तो कभी हो ही नहीं सकता। कवक और जो विषाणु होगा वो कभी हो नहीं सकता कि फायदा तो फायदा करेगा ही, नुकसान तो जरूर होगा वहां से, जितना भी हार्ड नाम होगा। बात समझ में आ रही? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें नुकसान होगा ही होगा, और जब होगा तो चुपचाप परजीविता पर या परभक्षण पर चले जाइए। समझ बात? ज्यादातर परजीविता, जितना भी बायोलॉजी का होगा उसमें परजीविता की बात आगे, बायोलॉजी का कंटेंट आगा, वो सारा पैरासाइट की बात करेगा, पैरासाइट यही ऊपर जो परजीवी हो, जिससे फायदा होगा वो परजीवी, और जिससे नुकसान होगा ना वो पोषक। कोरोना के लिए मैं पोषक हूँ, नुकसान मुझे हुआ, और कोरोना पता कौन? पैरासाइट है। जितने मैंने तुम कवक के नाम लिखवाए ना, वे सारे पैरासाइट है। समझ नहीं बात यार? और जो 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 खत्म होगा ना वो होस्ट, होस्ट। बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसमें क्या अंतर हो परभक्षण पता लग जाए, प्रजाति वह खत्म ही हो जाएगी दूसरे वाली प्रजाति, ऐसी क्रिया भी ठीक नहीं है। सही बात यार, इसी जो परभक्षण वाली क्रिया ना, यह खाद्य श्रृंखला में बहुत चलती है। ये सखारा वो सखारा, वो सख्यारा वो सख्यारा, सही बात है। खा रहे इसका मतलब खा रहे, बस भक्षण कर रहे, भक्षण का मतलब ही मानना हो। पेरेडेशन इसे बोलते, पेरेडेशन स्वीकार करना। चलो क्या लिखा अभी पहले बताओ। इसी तरह अनेक प्रोटोजोआ, इसी तरह अनेक प्रोटोजोआ, इसी तरह अनेक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ एंड अमीबा, एंड अमीबा आदि, चपटे व गोल कर्मी वाले शरीर में रहते हैं, पाए जाते हैं, चपटे व गोल कर्मी, ये प्रोटोजोआ कहाँ मिलेंगे तुम? ये वहां मिलेंगे जहां चपटे और गोलकर्मी में शरीर होगा, जिनका गोल शरीर होगा, चपटा शरीर होगा, चपटे गोलकर्मी शरीर में पाए जाते हैं। अच्छा प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम अंट अमीबे जहां मिलेंगे तो फायदा तो करने दे रहे हैं, और नुकसान करेंगे तो कौन सा संबंध है? आया समझ में? सोहोप करते तो दिमाग में जाने, वहाँ फायदा ही फायदा होगा। समझ में आ बात या? आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं छुट्टी भी रखी ना बीच में तो तुम्हें समझाओ, इस क्लास को बैठ कर दोबारा देख लेना। समझ में आया बात या? इनका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, अरे दोबारा देख लेना, जिस बच्चे ने बहुत शांति के साथ बैठ कर, उसका दिमाग बहुत क्लीन हो जाएगा पूरी तरह। समझ में आया बात या? एक तो अभी तुमने क्लास सुन कर गए, दूसरा तुमने घर जाकर क्लास देख ली, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा लंबे समय तक याद रहा, संस्टेट कर पाओ लंबे समय तक। समझ में आया बात है? क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें ऐसी बोली गई कि तुम देखने के बाद ही समझोगे, तसल्ली से बैठ कर। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई कोई दिक्कत? कितने संबंध पढ़ लिया हमने? दो रह गए, एक प्रभक्षण एक परस्पर्धा, स्पर्धा वाला, तो हेडिंग बना लो प्रभक्षण। कहाँ जा रहे?
आओगे जब तुम वो साजना अंगना फूल खिले। इसमें क्या होगा प्रवक्षण में? एक तो लाभ होगा, दूसरे को हानि उठानी पड़ेगी, और जो लाभ उठाएगा ना उसे शिकारी बोलते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। इसमें इसमें यही अंतर परजीविता प्रभक्षण में, इसमें जो प्रजाति हो ना वो बचती थी उसको खा जाता हो, परभक्ष कर जाता। गिलहरी यूपीएससी पीरी 2023 याद है, इक्कर में दौरान याद रखो। सही बात है, प्रभक्षण करती है तो बस दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वह खा जाती है, प्रभक्षण का मतलब कुछ जीवों को जरूर खाती होगी वह। अभी थोड़ा ये जीव जिन्होंने खा लिया और खाने के बाद फिर बच जाएगा, फिर उसके हलक पता निकल आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ही होगा। ए रहने दे रहने दे रहने दे, चुप हो जा। नगरी मैंने पिक्चर देखी थी उसकी, ऋतिक रोशन की, उसके मगरमच्छ के पेट में तो निकल गया था। अच्छा मगरमच्छ के पेट में तो अगर निकल गया हो तो उसका मतलब वो इसमें आगा या इस मांग नीचे वाले को जिंदा निकल गया तो परजीवी, तो वो अगर जीवित निकल गया पैरासाइट है या पोषक हो, पोषक हो। अब मगरमच्छ क्या होगा उसमें? इसी एक पिक्चर है उसकी ऋतिक रोशन की, कहो ना प्यार है, जाकर देखना उसमें मगरमच्छ के पेट में चला जाओ। दिल अपना देकर क्या होगा, क्या होगा? अब फिर ना सबको लगा वो मर गया, जब मैंने पहली बार पिक्चर देखी ना तो जिंदा निकल गया आ रहा। लास्ट में पिक्चर का तो और बस ये ईश्वर के यहाँ दिक्कत है, मैट का और सारे अंश भाव थे, ऐसा लगा तो लोग मर गया मर गया मर गया, ये निकल गया था। सही, जब पहली बार किसी ने धमाल पिक्चर देखी ना ऐसा लगा गया ये टूट रहा है, टाना टूट गया नीचे कड़क, फिर नीचे का टूट गया, ऐसी कहानी होना होगा। ऐसा लगा गया, गए के बाद ऐसा हीरोइन रूस राज को रो रहा अपने घर भी जल्दी, हीरो फिर पीछे जा रहा। ऐसी बदतमीजी है, बता लिखो यह ऐसे लिखो, हेडिंग बनाओ प्रभक्षण, बना ली इसमें लिखो, इंग्लिश में नाम लिखो PREDATION, PREDATION। लिखो यहां एक समष्टि लाभान्वित होती है और दूसरे को हानि उठानी पड़ती है। एक समष्टि लाभान्वित होती है, समष्टि मतलब जनसंख्या हो, यहां एक समष्टि लाभान्वित होती है और दूसरे को हानि उठानी पड़ती है। सही बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? तुम जानो खुद ही हैरानी होगी, कुछ पौधे ऐसे हो जो कीटों को मार ले, पौधे ऐसे हो हाँ, और कीटों को मारकर ना उनके भीतर नाइट्रोजन होगी और कीटों को मारकर खा जा पौधे, उनका नाम जरूर पूछ जाएगा पेपर। कीटों को भक्षण कर देते हैं ऐसे पौधे जो कीटों को भक्षण कर लेते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ग्रोथ के लिए उसे नाइट्रोजन चाहिए, तीन चीजें जरूरी पौधे की जो ग्रोथ के लिए, NPRK। तो नाइट्रोजन कुछ पौधे ऐसे है, बहुत सारे पौधे ऐसे खतरनाक खतरनाक, चार पांच पौधों के नाम दिखवा रहा हूँ मैं। समझ बात या ठीक, समझ पा रहा बात या? सब तो याद नहीं कर सकते, बहुत सारे पौधे ठीक। और UPSC अगर ऐसा सवाल बनाया ना तो जब बहुत सारी चीज हो तो नाम देने का ही नहीं पूछेगा तुमसे, क्या कोई पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं
और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब, ऐसा कौन सा पौधा होगा जो कीट को मारकर खा जाएगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे समझ, मैंने अभी तो कहा तुम कुछ पौधे ऐसे होते हैं कुछ, तो झंझट ही खत्म। सोचना ही क्यों, मैं कितनी बार बताया तुम कुछ पौधे कुछ में कुछ भी हो सका यार, कुछ भी। हमें सारे आदमी पागल है नहीं है, सारे थोड़े पागल हो सकते, सारे सब कुछ हो सकता, ये तो गलत है, ये तो गलत है। हमने कहा कुछ आदमी पागल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें थोड़ा सभी के सभी आईएएस बन सकते हैं, बन सका सभी सभी आईएएस, सभी के सभी कहाँ था आईएएस बन जाएंगे, 800-900 सीट सारी कैसे बन जाएगा सभी के सभी आईएएस? हम कुछ इंसान आईएएस बन सकते हैं जो रात दिन मेहनत कर सकते हैं, सही है गलत है? जहाँ कुछ की बात आ रही पॉजिटिव वाला सेंस नहीं आ रहा, तो ये तो खास बात है। सही, हमें कहने लगा तुम यूपीएससी का सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ सकता है, गलत है सही है? स्टेटमेंट अभी तुम खुद बता रहे, तो यूपीएससी वैसे स्टेटमेंट पूछो जहाँ लिखा है कोई भी नहीं कर सकता है, वो गलत खुद बैठे पूरी लाइन सोच रही। हमें क्यों मेहनत करूँ उस पर जाकर? अब लग रहे हैं ना चांस कि पेपर आठ नहीं आता आसान था अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब घर जाएगा ये सुनो ढूंढने की तुम्हें कहाँ भेज देना मुझे ऐसा स्टेटमेंट मिला। अब देखा गलत है यार, वाकई में गलत है, तो 200 स्टेटमेंट मिलेंगे तुम्हें एक पेपर में, 200 स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे, 200-300 स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे। समझ में आया बात? ये देखिए लोंडी भी समझ रही है, इसकी दिमाग में चढ़ गई बात यार कुछ वाला तो सही होगा कोई भी नहीं कर सकता है ऐसी तो बात नहीं है, कोई तो कर ही सकता होगा। चलो लिखो, क्या लिखा पहले बताओ तुमने? हानि उठानी पड़ती है, जैसे कीट भक्षी पौधे डोसेरा खाता खतरनाकम, डायोनिया पौधे के नाम है, पिचर प्लांट वेनस, आज याद नहीं होने के तो ही करी लिखला नहीं के नाम, सेफालोटस नमस्ते सेफालोटस लिख दिया, फ्लाइट रैंप ट्रेम्प लिख ली, इनकी बिंदी भी ऐसे फ्लाइट ट्रेम्प। क्या तुम्हें लग रहा है यूपीएससी बहुत सारे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है यूपीएससी सवाल को पूछेगा कभी? अगर उन्होंने पूछ भी लाना ऐसा नाम देगा तो सबका गलत है, वो किसी पर होने का ही नहीं, वो छोड़ने के लिए आया था। तो वो क्या सवाल बना सक कि क्या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? तो यस, कुछ वाला तो ऐसे ही सही है, दिमाग में चढ़ गया वायरस ऐसे ही बता दो कुछ ऐसा पढ़ना। हाँ मैं मेंस में भी ऐसे ही पढ़ना मेरे पास, तुम कभी भूलने के लिए। हाँ मेंस में जो लिखो ना क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे याद रखो, नहीं उसका ट्रिक्स बना रखा, सही बात। मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ कि तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ा दो इससे बजाय, समझ में आया बात है? जैसे हिस्ट्री होगी पूरी 54-55 वीडियो, उन्हें 5 पन्नों में कैसे सपेटना, कोई भी क्वेश्चन है उन 5 पन्नों तो लिखना बस आएगा, कोई भी क्वेश्चन आराम से लिखो, पूरी पोलोटी होगी 7-8 पन्नों का ले नोट्स बना ले पूरा का पूरा, कोई भी क्वेश्चन जो सवेरे के लिखना बस, झंझट खत्म। तो इस पर मेहनत करो, क्या दिक्कत हो रही? और सबसे अच्छा लगेगा उत्तर,
ऐसा हो नहीं सकता, होने कुछ भी हो सकता। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए? बहुत ज़्यादा। हाँ तो कौन, तो क्या दिक्कत हो रही? लेकिन ये सीक्रेट रहेगा, ये हम कभी किसी को नहीं बताने गए। सही बात यार, जैसे हम ऑप्शनल की वीडियो प्राइवेट रखने वाले, उस वक्त किसी को देने के लिए, वो तो हमारी एसेट्स होगी। समझ में आ बात है? जितनी मैं ट्रिक्स बताने वाला तुम्हें सारी, वे सारी प्राइवेट रखोगे। जैसे मैं प्राइवेट रखना चाह रहा है ना, मुझे पता है, इसलिए कोई भी टॉपर कभी किसी को नहीं मिल सकता। समझ, जितने टॉपर आते हैं सारे झूठ बोलते हैं, और सबको एग्जाम निकालने की टेक्निक पता। समझ नहीं बात है? किसी ने बताया इस तरह कभी आज तक? चलो अभी क्या लिखा तुमने, ये लिख दिया तक लिखो, ये पौधे नोट में लिख लो लाइन, या पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लियो। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति। ये पौधों के नाम है सब। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करते हैं। अब क्या हुआ, जो परभक्षण की क्रिया ना, इसमें कमी आई। पूछो क्यों? हर जीव ने ना इस पर्यावरण के अपने आप को अनुकूल बनाया, और अनुकूल बनाकर ना अपनी रक्षा स्वयं करनी सीख ली। जैसे शेर को दो नुकीले वाले दांत दिए अपनी रक्षा करने के लिए, उसका कोई शिकार नहीं कर सकता। हिरण को भी सिंह दिए, सिंह वर्ग उससे लड़ने की कोशिश तो करेगा। से हो एक से कांटे, उसके शरीर पर कांटे पाए जा। जोक का नाम सुना तुमने? जोक को जब अपने शरीर की रक्षा करनी हो ना, तो वह ना अपने आप को एंटीले को मोड़ लेती है और हटती नहीं बिल्कुल भी, वहां जो जोक हो, ताकि प्रभक्षण की क्रिया में कमी आई। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुकूलन बढ़ा, पर्यावरण में अनुकूलन बढ़ा। हर चीज ना अपनी रक्षा अपनी, ताकि शिकार उसका कम से कम हो। इसलिए क्या होगा, उसमें इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनने पर्यावरण के अनुकूल बनाया अपने आप को। समझ में आया बात यार? ठीक, एक दो मेरे पास उदाहरण भी है, उनके पेपर में सवाल पूछ लो कि कौन सा जीव है वो जिनने पर्यावरण को अपने अनुकूल बना दिया, उसके शरीर पर कांटे पाए जा। देखा नहीं, बहुत खतरनाक जीव है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। से का नाम सुना है? से कांटे वाली से हो, वरना तुरंत जैसे उसके पास जाओगे, पर 10 मीटर की दूरी से कांटे मारा फेंक कर। हाँ, लेकिन उसका जो मीट हो, चिकन बड़ा मस्त हो। सही बात है, लोग बताते हैं इस तरह करके, लेकिन उसे पकड़ना बहुत कठिन काम हो। लिखो नोट, NOT नोट। जंतुओं में विभिन्न अनुकूलन ने अनुकूलन, समझ गए ना, विभिन्न अनुकूलन ने भी शिकारियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम कर दिया। अनुकूलन ने शिकारियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम कर दिया। जैसे हेज होग, इसे जोक भी बोलते हैं, हेज होग के पास कठोर कुमा तेज काटों का एक कवच होता है। हेज होग जीव एक प्रकार का है।
हेजहॉग के पास कठोर तेज कांटों का एक कवच होता है। यदि कोई शत्रु हमला करता है तो उससे ऐसा उसकी सुरक्षा करता है। समझ गया ना तुम? तू प्रभक्षण की क्रिया कमोती जा रही नहीं जा रही? बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? एक और रह गया यार, छोटा सा ये भी स्पर्धा, इसे भी खत्म कर लो, क्या दिक्कत होगी? हेडिंग बनाओ स्पर्धा, कंपटीशन पे सारे खत्म हो जाएगा, फिर अलग अलग वीडियो कौन बनाएगा? स्पर्धा कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ये भी रह रहा है। इसमें क्या होगा यहाँ देखो, दोनों को नुकसान होगा? नहीं होगा? होगा दोनों को नुकसान। दोनों खत्म हो जाएंगे? ये बहुत खतरनाक संबंध। मान लो तुम एक पौधा था, उसके अंदर कोई बीमारी थी, और दूसरे तुमने राजा जी नेशनल पार्क में जाकर लगा दिया, सारे पौधे मर जाएंगे। एक शेर था, नामी भी ऐसा लाए हम, उसमें जाकर पक्के टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया जाकर उसमें, वहाँ सारे सारे जीवों में बीमारी फैल गई, सब खत्म। ठीक, इसका मैं लिखो, प्रतिस्पर्धा हेडिंग बनाओ, लिखो स्पर्धा, हाँ प्रतिस्पर्धा भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यह अधिक उत्पादन, यह अधिक उत्पादन कोमल खाद्य आपूर्ति, यह अधिक उत्पादन कोमल खाद्य आपूर्ति, अधिक उत्पादन कोमल खाद्य आपूर्ति कोमल प्रकाश आदि की सीमितता का परिणाम होता है। कोमल प्रकाश आदि की सीमितता का परिणाम होता है। देखते कितना समझ पाते हैं, मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ नहीं है तो फिर कल को समझाऊंगा मैं, लिख लो पहले से। सीमितता का परिणाम होता है, लिख लिया। इसमें दोनों प्रजातियों को हानि उठानी पड़ती है, इसमें दोनों प्रजातियों को हानि उठानी पड़ती है। कोई दिक्कत यहां तक? सही बात है, इसके उदाहरण तुम करके लिख कर ले जाना, एग्जाम्पल होमवर्क तुम्हारा, स्पर्धा के उदाहरण लिख के ले जाने, गूगल करके होमवर्क दिया जाओ, सब पढ़ाया मैंने, प्रभक्षण भी, स्पर्धा भी, और इससे बेहतरीन कभी से पढ़ाया नहीं जा सकता, इस संबंध को इससे बेहतरीन कभी पढ़ाया नहीं जा सकता। तो मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कल को सुनूंगा सारा, तभी इससे बिना देखो सुनूंगा, तभी इसे करके ले जाना। अब होमवर्क लिख लो घर का, कल का।